जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर ये खाएगा ये खाएगा। बस निकल गई तेरी सारी हीरो बनती। जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं।
टाइगर श्रॉफ की मूवी हीरोपंती की दूसरी सीरीज यानी हीरोपंती 2 में फीमेल लीड में नजर आएंगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने वाली तारा सुतारिया। हीरोपंती में जहां टाइगर श्रॉफ और क्रिस सानोम की जोड़ी नजर आई थी, वही हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की जोड़ी नजर आई थी। हीरोपंती की पहली किस्त ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, जिसमें टाइगर की परफॉर्मेंस मूवी का मुख्य आकर्षण रही है। बनाने वाले हैं टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में, क्या 2022 होगा टाइगर श्रॉफ के नाम? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. ऐसा लगता है 2022 होने वाला है टाइगर श्रॉफ के नाम। 2022 में इस अपकमिंग फेस्टिव सीजन में टाइगर श्रॉफ के पास अपने फैंस को देने के लिए बहुत कुछ है। उनकी आने वाली फिल्में हैं काफी सारी, जिसमें से गणपत, हीरोपंती 2 जैसी फिल्में शामिल है जो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टाइगर की हीरोपंती 2 पहले से ही टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है। मेकर्स ने ये बताया था, इस बार बॉलीवुड के इस मूवी में काफी हाई एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसे सुनकर फैंस की तो एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म के एक पोस्टर में टाइगर की शर्टलेस पिक्चर अपलोड की गई है, जिसमें उनके 6 एब्स नजर आ रहे हैं। और इसे देखकर फैंस तो और भी एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को देखने के लिए। टाइगर काफी मेहनती है और डायरेक्टर अहमद खान भी काफी बार टाइगर की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। टाइगर की लगन का ही नतीजा है टाइगर बॉलीवुड यंगेस्ट एक्शन सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। हीरोपंती 2 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और बॉलीवुड में एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया है। हीरोपंती 2 के एक्शन सीक्वेंस अब्रॉड में शूट किया जाना था, और जब भी ऐसे हाई एक्शन लेवल सीक्वेंस और स्टंट को शूट किया जाता है तो काफी मेहनत लगती है, बार बार टेक्स लेने पड़ते हैं, कई और तरह की चीजें भी होती है। पर टाइगर श्रॉफ ने हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस को भी 2 महीने के अंदर निपटा लिया है। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्शन हीरो हैं जिन्होंने इतने हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस को भी इतने कम समय में निपटा लिया। ये खुद में ही एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म में तारा सुतारिया भी हमें नजर आने वाली हैं और वो भी एक्शन करते हुए हमें दिखेंगी। हीरोपंती 2 में अपनी आवाज दे रहे हैं लीजेंडरी सिंगर AR रहमान। फिल्म में कई अलग अलग इमोशन के सॉन्ग भी कंपोज किए जाने वाले हैं। जहाँ एक तरफ हाई एक्शन सीन की तरफ काफी इंटेंस सॉन्ग कंपोज किया जा रहा है, तो वहीं पार्टी एंथम भी कंपोज किया जा रहा है। साथ ही एक इमोशनल सॉन्ग भी फिल्म के आखिर में सुनने को मिल सकता है। फिल्म से जुड़ी इतनी सारी अमेजिंग अपडेट्स आने के बाद इसमें कोई शक नहीं है 2022 होने वाला है टाइगर श्रॉफ के नाम। हर साल देखा गया है ईद के मौके पर बॉलीवुड के फैंस ही थिएटर पे छाए रहते हैं, पर फिल्म की न्यू रिलीज डेट को अपडेट करते हुए ट्विटर पे टाइगर ने कहा है वो इस बार अपने फैंस से मिलने वाले हैं ईद पर। टाइगर की फिल्म अगर ईद पर रिलीज होती है तो इस पर कोई भी खान हो, टाइगर उन्हें जमकर टक्कर देने वाले हैं। हीरोपंती 2 पहले थॉर से क्लैश होने वाली थी, पर बाद में मेकर्स ने अपना रिलीज डेट चेंज कर दिया, क्योंकि मेकर्स इस बार हीरोपंती 2 को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब जब तक हीरोपंती रिलीज नहीं हो जाती तब तक चारों ओर इसी के चर्चे होते रहेंगे। तो आपको ऐसी फिल्म होगी सुपरहिट, क्या किरदारों के चलते फैन बेस होगा डिवाइड? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म हीरोपंती का जल्द ही दूसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। हीरोपंती 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और इस बार दर्शकों को फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। आपको मालूम है कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से ही की थी। हीरोपंती 2 के राइटर रजत अरोड़ा ने बताया, ये अब तक हमारे द्वारा की गई सबसे मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म है। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों से एकदम हटकर होगी। हमने इसे मॉडर्न प्रॉब्लम और उनके मॉडर्न सॉल्यूशन को देखते हुए बनाने की कोशिश की है। ऐसे में हीरोपंती 2 फिल्म एक्शन पैक्ड होने वाली है, लेकिन जहां ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है, उसी दिन अजय देवगन की रनवे 34 भी रिलीज हो रही है। एक तरफ जहां टाइगर की फिल्म हीरोपंती 2 में दमदार एक्शन के साथ साथ तारा सुतारिया और टाइगर की जोड़ी का धमाल देखने को मिलेगा,
तो दूसरी ओर रनवे 34 में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे दमदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अजय ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी खुद से किया है। ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर आधारित होने वाली फिल्म है। ऐसे में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे कलाकार के सामने टाइगर की फिल्म का आना थोड़ा रिस्की हो सकता है। दरअसल आजकल की ऑडियंस वैसे एक्शन फिल्में ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन अजय देवगन भी एक्शन के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है और ये रनवे 34 के पास एक प्लस पॉइंट है कि अमिताभ की वजह से ओल्ड एज फैंस भी रनवे 34 को देखने आएंगे। दोनों ही हीरो की फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराती हैं। गणपत और हीरोपंती 2, किस तरह हीरोपंती 2 के टाइगर अलग होंगे गणपत के टाइगर से? क्या ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे टाइगर श्रॉफ? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। दोस्तों साल 2022 में टाइगर श्रॉफ की दो फिल्में आने वाली हैं, पहली हीरोपंती 2, दूसरी गणपत। दोनों ही फिल्मों के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आपको टाइगर श्रॉफ के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस दोनों ही फिल्मों में देखने को मिलेंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दोनों फिल्में कैसे अलग होंगी एक दूसरे से? हीरोपंती की कहानी कुछ इस प्रकार होगी, एक ऐसे लड़के के बारे में जो रात को लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी रॉबरी से हो या किडनैपिंग से, वो सबको बचाता है। जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे एक मिशन पर रशिया भेज देते हैं, जहां उसे रात में रशियन ट्रूप्स को मारना होता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को लगता है कि वो रशियन ट्रूपर्स का गैंग लीडर है, लेकिन वो इस बात को एंड में गलत साबित करता है और अंधेरे में बाकी रशियन ट्रूप्स को वो मारता है। ये कहानी गवर्नमेंट और देश की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसमें हमें टाइगर के साथ नजर आएंगी तारा सुतारिया। इस फिल्म का एक्शन वेपन्स के साथ होगा। वहीं बात करें फिल्म गणपत की, तो गणपत में टाइगर के साथ नजर आएंगी उनकी पहली लीडिंग लेडी कृति सेनन। हीरोपंती के बाद दोनों दूसरी बार साथ में काम करने जा रहे हैं। हीरोपंती में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था। साथ ही गणपत एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। जी हाँ, ये फिल्म दो पार्ट्स में बनेगी, जिसमें टाइगर एक बॉक्सर का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो मुंबई में रहता है और बॉक्सिंग करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइगर श्रॉफ के फादर का रोल निभाएंगे खुद उनके रियल लाइफ फादर जैकी श्रॉफ। ये इतिहास में पहली बार होगा कि जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक ही पर्दे में एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म टाइगर की अब तक की हिट फिल्मों से सबसे हटकर होगी। इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म होगी, जो टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों से एकदम हटकर होगी। इस फिल्म को मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को देखते हुए बनाई गई है। ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी और इसमें काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। इन सब बातों को सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म हीरोपंती से भी अच्छी होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चला पाती है, क्या टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएंगे, क्या टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन फिर से केमिस्ट्री दिखा पाएंगे। आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर क्यों देखनी चाहिए आपको हीरोपंती 2? क्या हीरोपंती 2 का कोई लिंक जुड़ा है हीरोपंती की कहानी से? क्या फिल्म में होगा कृति सेनन का कैमियो? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। टाइगर श्रॉफ ने कृति सेनन के साथ 2015 में हीरोपंती से डेब्यू किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तब से ही फैंस को इसके सेकंड पार्ट का इंतजार भी था, लेकिन दोस्तों अब बहुत जल्द ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हालांकि दोस्तों इस बार इसमें मेन लीड के तौर पर कृति सेनन नहीं बल्कि तारा सुतारिया नजर आने वाली है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि तारा सुतारिया से पहले इस रोल के लिए सारा अली खान को फाइनलाइज किया गया था।
सब फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी हो गई थी, पर फिर ड्रग केस में नाम आने के बाद उनकी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और नेपोटिज्म का टॉपिक भी उस वक्त एक हॉट टॉपिक था, इसलिए मेकर्स ने तुरंत सारा को तारा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि तारा ने अपने एक्टिंग करियर में अपने दम पे बनाया है और वो एक अच्छी एक्टर भी है। वो टाइगर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी काम कर चुकी है, तो ये मानना है कि टाइगर ने ही तारा का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया गया था। अब दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों देखनी चाहिए हीरोपंती 2। अगर आप एक्शन लवर हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ एक मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन है और उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती 2 का फर्स्ट पार्ट ही शानदार एक्शन सीन से भरपूर था और अब आने वाली फिल्म में उससे भी बड़े और मजेदार एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका अंदाजा तो आप फिल्म के पोस्टर से ही लगा सकते हैं। ये फिल्म एक फुल्ली एंटरटेनर होगी। इसके रोमांटिक ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रहेगी। दोस्तों बता दें कि टाइगर श्रॉफ की डांस स्किल्स से तो अब आप सब वाकिफ ही हैं, तो आई एम श्योर आप उनकी डांस सॉन्ग्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि जैसे कुछ फ्रेंचाइजी में ऐसा हुआ है कि कहानी जिस पर एंड होती है नेक्स्ट सीक्वल वहीं से शुरू होता है, जैसे दबंग, बाहुबली एंड मेनी मोर, पर इस सीक्वल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हमें इस फिल्म में फिर से कृति और टाइगर की रोमांटिक जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ये कहानी कहीं से भी अपने प्रीक्वल से जुड़ी हुई होगी। ये एकदम फ्रेश न्यू कहानी होने वाली है। हम बता दें कि ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में होगी जो रात को लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी रॉबरी से हो या किडनैपिंग से, और वो सबको बचाता है। जब गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे एक मिशन पर रशिया भेजती है, जहां उसे रात में रशियन ट्रूप्स को मारना होता है, लेकिन तभी कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को ये लगता है कि वो रशियन ट्रूप्स का लीडर है, लेकिन वो इस बात को गलत प्रूफ करता है और अंधेरे में बाकी सभी रशियन ट्रूप्स को मारता है। दरअसल ये एक कोरियन फिल्म अकंपनी मान का रीमेक होगी जो 2012 में रिलीज हुई थी। दोस्तों वो एक बड़ी हिट साबित हुई थी, वहाँ के लोगों ने इसे खूब पसंद किया था, जिसकी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने इसका हिंदी अडॉप्शन करने का सोचा है। और क्योंकि ये फिल्म एक्शन से भरपूर थी तो टाइगर श्रॉफ मेकर्स की पहली चॉइस थे। इसे हीरोपंती 2 के नाम से बनाया गया क्योंकि हीरोपंती का एंड एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर हुआ था, जिसके आगे खींचना पॉसिबल नहीं था और इसलिए नई कहानी के लिए मेकर्स ने इसे चुना है। आपको बता दें कि क्योंकि हीरोपंती फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की डेब्यू फिल्म है और अब दोनों एक्टर्स बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, तो ये फिल्म उन दोनों के दिल के बहुत करीब है। ये बताया जा रहा है कि कृति सैनन इस फिल्म में कैमियो कर सकती हैं और कृति इस फिल्म में 5 से 10 मिनट का कैमियो करेंगी, या हो सकता है कृति सैनन इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग करे जैसे आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में किया था। ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हीरोपंती के बाद कृति सैनन और टाइगर श्रॉफ अब तक दोबारा स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर नहीं आए हैं। फैंस भी बेसब्री से इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। वैसे तो टाइगर की आने वाली फिल्म गणपत में कृति सैनन उनकी लीडिंग लेडी है, पर वो मूवी 2022 के अंत में रिलीज होगी। तो दोस्तों बता दें कि हीरोपंती 2 में ऐसा दूसरी बार होगा जब दोनों साथ में डांस करते दिखेंगे। भाई हम तो बहुत एक्साइटेड हैं दोनों को फिर से साथ देखने के लिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हो सकता है भारी लॉस, क्या फिल्म की रिलीजिंग डेट में आएगा बदलाव? सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो जहाँ 2020 से थिएटर्स पर भारी रोक के बाद हाल ही में थिएटर्स को खोला गया, जिसके बाद 22 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र में थिएटर खोलने की खबर आई तो बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट सामने आई, जिसके बाद टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 के मेकर्स ने भी अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट का ऐलान कर दिया था। फिल्म की रिलीजिंग डेट फिक्स हुई ईद के दिन यानी 29 अप्रैल 2022 को। ऐसे में जिस खुशी के चलते मेकर्स ने रिलीजिंग डेट फिक्स की, अब लग रहा है वापस से रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाना होगा। दरअसल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी आई उसके चलते कई चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगे, ऐसे में जहां थिएटर्स को बंद किया गया, जिसके चलते फिल्मों को काफी भारी नुकसान हुआ और उन्हें बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ना उतार के OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ा। आने वाली फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म पहले भी महामारी की चपेट में आ चुकी है, और वहीं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 जो थिएटर्स में तो लगी लेकिन कुछ ही दिनों के लिए और उसके बाद थिएटर से उतर गई, और महामारी के डर से दर्शकों ने उस हिसाब से फिल्म नहीं देखी, जिसका सीधा सीधा असर फिल्म की कलेक्शन पर पड़ा। ऐसे में वापस से जहां कई चीजों पर वापस से रोक लगाई जा रही है क्योंकि फिर से एक बार वायरस बढ़ता दिख रहा है,
तो हो सकता है आने वाले महीनों में अगर ये वायरस नहीं रुका तो शायद फिर से वही 2020 वाली स्थिति 2022 में सबको झेलनी होगी। ऐसे में वापस से अहमद खान दोबारा वही जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, तो हो सकता है हमें आने वाली फिल्म की रिलीजिंग डेट में बदलाव नजर आए। आपको बता दें, फिल्म में टाइगर श्रॉफ के संग तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी और विलन के रोल में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलेंगे। अहमद खान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और साजिद नाडियाडवाला फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देखते हैं आने वाली इस महामारी के डर से कितनी फिल्मों के रिलीजिंग डेट चेंज होते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ मैं स्वाति लेती हूँ आपसे अलविदा। 2022 में नवाज कैसे देंगे विनोद खन्ना को ट्रिब्यूट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जैल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ लगातार अपनी फिल्मों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी एक्शन से भरी फिल्में उनकी आने वाली है। रोमांटिक जॉनर की भी फिल्में करेंगे टाइगर। और आपको बता दें, हीरोपंथी 2 के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। तारा सुतारिया के साथ एक बार फिर से जोड़ी दिखेगी बड़े पर्दे पर। और जब खबर आई कि नवाजुद्दीन बीकी की एंट्री हो चुकी है, तो सोने पे सुहागा हो गया मान लीजिए। और अब नवाज ने भी अपनी भूमिका को लेकर खुलासा किया और कहा कि मेरा किरदार जो है वो विनोद खन्ना से कनेक्शन रखता है। ऐसे में विनोद खन्ना के फैंस भी खुश हैं और कहा कि ये जो मेरा काम होगा वो दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना जी को श्रद्धांजलि होगा। नवाज कहते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने अभिनय से हैंडसम विनोद खन्ना को ट्रिब्यूट दिया है। नवाज ने कहा, उनके चलने का एक अलग तरीका था, वो और अभिनेताओं के पास नहीं था और यही वॉक मैं चुराने वाला हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा उनके चलने का जो तरीका था वो कुछ मर्दाना झलक देता था और उनकी वॉक मैंने इस्तेमाल की है। और उम्मीद है कि विनोद खन्ना जी के जितने भी फैंस हैं उन्हें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। यानी कि अब हीरोपंती 2 का वजन ऑलरेडी बढ़ चुका है। नवाजुद्दीन जैसे एक्टर इस फिल्म में है जो कि वर्सेटाइल है। जब भी स्क्रीन पर आते हैं विलन बनते हैं, सिहरन पैदा होती है, कॉमेडी करते हैं, हंसते हंसते पेट दर्द होता है, बहुत मजा आता है उन्हें स्क्रीन पर देखने में। और अब इस फिल्म से तहलका मचाने को तैयार है। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो एक्शन अलग लेवल का होगा, रोमांस करते नजर आएंगे तारा सुतारिया के साथ। अहमद खान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है। इस बार जो शूटिंग लोकेशंस है वो सारी फॉरेन कंट्रीज में है, अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी। तो हर लिहाज से नंबर वन बनाने की कोशिश है मेकर्स की। आप कितना वेट कर रहे हैं हीरोपंती 2 का? कौन होंगे हीरोपंती 2 का हिस्सा? क्या हीरोपंती 2 होगी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज? किस तेलुगु मूवी का रीमेक होगी हीरोपंती 2? नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 बॉलीवुड की जो अपकमिंग रोमांटिक एक्शन फिल्म है और 2015 की फिल्म हीरोपंती का अगला पार्ट है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है, जिसे रजत अरोड़ा ने लिखा है और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित है। आपको बता दें, इस बार इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट कृति सैनन नहीं नजर आएंगी। इस बार इस फिल्म में कृति सैनन की जगह तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फिल्म की कहानी एकदम नई होने वाली है, जिसका अपने पहले पार्ट से कोई संबंध नहीं होगा। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। क्या आपको पता है, ये रोल पहले सारा अली खान को ऑफर किया गया था। जब सोशल मीडिया पर बायकॉट के अभियान चल रहा था और लोग युवा स्टार को ट्रोल करने में व्यस्त थे, इस खबर ने सभी को चौंका दिया कि कितने निर्माताओं ने कुछ अभिनेताओं को अपनी फिल्मों से हटाने का फैसला किया। ऐसा ही कुछ सारा अली के साथ भी हुआ था। सारा अली खान हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए फर्स्ट चॉइस थी। कास्टिंग अपने फाइनल स्टेज में थी और सारी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी हो चुकी थी। जब ड्रग केस ने सुनामी की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री को प्रभावित किया, जब उनका नाम सामने आया तो निर्माताओं को लगा कि उन्हें साइन करने से उनका प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है और उन्होंने इसके बजाय ये रोल शिफ्ट करने का फैसला किया। सारा को हीरोपंती 2 से तुरंत हटा दिया था। टाइगर श्रॉफ ने अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की कोस्टार तारा सुतारिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। उन्होंने निर्माताओं को तारा को साइन करने के लिए कहा। तारा इस इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने के नाते सारा के लिए एकदम सही रिप्लेसमेंट के रूप में काम किया, जबकि निर्माता ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनके पास इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम आपको बता दें कि हीरोपंती 2 किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती
2 सबसे वेटेड फिल्मों में से एक है, जो 2022 में यानी 19 अप्रैल को ईद पर स्क्रीन्स पर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रीमियम फेस्टिवल रिलीज की तारीखें अक्सर सबसे बड़ी रिलीज के लिए रिजर्व्ड होती हैं। हालांकि हीरोपंती 2 ईद पर रिलीज होने के साथ टाइगर श्रॉफ ईद पर रिलीज होने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बन जाएंगे। भले ही सलमान खान की टाइगर 3 भी उसी दिन रिलीज होने की संभावना है, लेकिन अभी तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में। हालांकि हीरोपंती 2 को टाइगर की पहली फिल्म 2014 की फिल्म हीरोपंती का सीक्वल बनाया गया है, लेकिन उसका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है कि पहली फिल्म 2008 अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पारुगु की रीमेक थी। और तो हीरोपंती 2 एक और लोकप्रिय तेलुगु फिल्म 2018 स्मैश हिट गुड़चारी का रीमेक भी है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि हीरोपंती 2 एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो रात में लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी को डकैती से बचाना हो या किसी का अपहरण करना हो, ये हमेशा रहता है। भारत सरकार को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे रूस भेजती है, जहां उसका मिशन रात में रूसी सैनिकों को मारने का होता है। लेकिन किसी तरह कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को लगता है कि ये रूसी सैनिकों का नेता है। देखें कि वैसे वो दुश्मन को हराने और सभी को गलत साबित करने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ और हीरोपंती 2 के निर्माताओं को उनकी फिल्म के लिए हॉलीवुड पोस्टर की नकल करने के लिए फटकार लगाई जा रही है। कई लोगों ने कीनू रीव्स की फिल्म जॉन विक के साथ हीरोपंती 2 के हाल ही में जारी किए गए पोस्टरों की तुलना की। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान द्वारा दिया गया है। तो ये तो तय रहा कि इस फिल्म के गाने काफी हिट होने वाले हैं। और आपको बता दें कि एक्ट्रेस मौनी रॉय का फिल्म हीरोपंती 2 में एक आइटम सॉन्ग होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मौनी रॉय को आखिरी बार फिल्म KGF चैप्टर 1 के गाने गली गली में अपने सिजलिंग मूव्स से ऑडियंस को प्रभावित करते हुए देखा गया था। अब फैंस मौनी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक और डांस नंबर में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो क्या आप भी मौनी रॉय के मूव्स को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी और इसीलिए ही हीरोपंती 2 उनके फैंस के लिए एक बेहद खास फिल्म होने वाली है। और कब से इस फिल्म का इंतजार है, टाइगर की डेब्यू फिल्म थी और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। कृति सेनन उनके साथ नजर आई थी, लेकिन इस बार कृति को रिप्लेस कर दिया है तारा सुतारिया ने। जी हाँ, तारा और टाइगर इसमें नजर आएंगे। इससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है जिसमें भरपूर एक्शन हो, और जहां टाइगर होते हैं वहां एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में मजेदार डायलॉग्स, कुछ गाने और कई हीरोइक एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। फिल्म की खास बात होगी इसकी कॉमिक सीन्स, और कॉमिक सीन्स इस फिल्म में ह्यूमर पैदा करेंगे, यानी कि एक्शन कॉमेडी का जबरदस्त तड़का आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वही आपको बता दें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी एंट्री हो चुकी इस फिल्म में। इनका नाम है वैभव चौधरी, और वैभव सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, दर्शकों का खूब प्यार मिला है उनके फिल्म में होने से। नेपोटिज्म विवाद के बीच चल रहे नफरत से फिल्म को छुटकारा भी मिल सकता है, क्योंकि वैभव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंडस्ट्री में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो एकदम कॉमन मैन जैसे हैं। और उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, ना कि किसी के बलबूते। ऐसे में लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और लोग अब ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिनको अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में लिया जाता है। तो वैभव की एंट्री से भी हीरोपंती 2 को काफ़ी फायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, हीरोपंती 2 का ऑलरेडी एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ज़्यादा स्टनिंग नजर आए थे, लेकिन इसे एक हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर जो था वो कॉपी पोस्टर बताया गया। कहा गया कि यह हिटमैन का पोस्टर है जो कि वाकई कॉपी पोस्टर था, लेकिन हो सकता है कि ये भी मेकर्स की स्ट्रेटेजी रही हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी जहां होती है वहां फिल्म का नाम उछली जाता है और फिल्म आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेकर्स की कोशिश भी रही होगी। तो आपको क्या लगता है, वह एंट्री से कितना फर्क पड़ेगा फिल्म में, कितना इंतजार है? हीरो जगह बनाने में हो पाए टाइगर कामयाब। फिल्म हीरोपंती के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर श्रॉफ को इंडस्ट्री में आए 7 साल हो गए हैं। वाकई में इन 7 सालों में वे काफी आगे बढ़ गए हैं। अपने अपार लोकप्रियता के साथ टाइगर ने न केवल बच्चों के बीच बल्कि पारिवारिक ऑडियंस के बीच भी खुद को स्थापित करने में सफल रहे हैं, जो
टाइगर को एक पैन इंडिया स्टार बना देता है। आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट पर विश्वास उसके निर्देशक, लेखक आदि जैसे अन्य लोगों के साथ बनता है, लेकिन ये सच है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में टाइगर शामिल है जो न केवल एक्शन बल्कि अपने नॉन एक्शन शैली के साथ अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, तो प्रोजेक्ट की धमाकेदार ओपनिंग होना स्वाभाविक है। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 में रिलीज हुई टाइगर स्टारर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और अजय देवगन की दे दे प्यार दे दे की टक्कर के साथ अजय देवगन जैसे दिग्गज एक्टर के साथ की गई तुलना के बावजूद टाइगर ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से राज किया हुआ था। टाइगर सबसे कम उम्र के ऐसे एक्टर हैं जो अकेले अपने दम पर प्रोजेक्ट का भार उठाते हैं। वरुण धवन, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर जैसे अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में सबसे अधिक कलेक्शन के साथ वे खुद को साबित भी कर चुके हैं। विनम्र स्वभाव और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्तित्व के साथ टाइगर ने स्टार होने के नाते कभी भी रुबाव नहीं दिखाया है। अपार सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वे आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। उनसे मिलकर बातें करने के बाद वे आपको कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि वे अपने जमाने के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। टाइगर ने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा हुआ है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए अभिनेता ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ खुद को साबित किया है। हालांकि इस बात से भी परे नहीं हटा जा सकता है कि हीरोपंती में उनकी एक्टिंग को लेकर जितनी बातें बनी थी, तब से लेकर बागी 3 तक उन्होंने हमेशा खुद को सिर्फ बेहतर ही बनाया है। तभी जीरो एक्सप्रेशन से लेकर आज वे काफी बेहतर एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ, एक्शन के मामले में वे किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि महज 7 साल में टाइगर ने एक मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के 7 साल पूरे होने के साथ ये कहना उचित होगा कि 7 साल की अवधि में लाखों दिलों में जगह बनाना, अनगिनत प्रशंसक, धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टाइगर निश्चित रूप से एक ऐसे एक्टर हैं जो पहले से भी सभी के दिलों पर शासन कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्टैंडम और स्टारडम के साथ ऐसा लग रहा है कि टाइगर अब कछुआ नहीं रहे बल्कि हर जगह अपनी सफलता की दहाड़ लगा रहे हैं। किसी भी एक्टर के लिए उसकी पहली फिल्म बेशक ही बहुत खास होती है और टाइगर ने तो उस समय बॉलीवुड में कदम रखा जब कई नए एक्टर्स पहले से ही अपना नाम बना चुके थे। हालांकि उनकी फिल्म हीरोपंती एक सक्सेस साबित हुई जिसने टाइगर के कदम बॉलीवुड में जमा दिए। आजकल फिल्म चर्चा में है अपने अगले सीक्वल हीरोपंती 2 को लेकर। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टाइगर और तारा सुतारिया की जोड़ी होगी। आपको बता दें कि फिल्म में टाइगर का दिल तारा पर आ जाएगा जबकि तारा उन्हें शुरू में पसंद नहीं करती। इसके बाद शुरू होगा टाइगर का मनाना और उन्हें प्यार करने पर मजबूर कर देना। हालांकि इस बीच फिल्म में विलेन बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री होगी जिनसे टाइगर की कोई पुरानी दुश्मनी है। उन दोनों को स्क्रीन पर साथ में देखना और वो भी एक दूसरे के आमने सामने, ये बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो अपने विचार हमें कमेंट्स में। अपनी और टाइगर श्रॉफ पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल मुंबई में लगे लॉकडाउन के बीच ये दोनों घूमते हुए पाए गए थे। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से पता चला है कि जब पुलिस ने इनकी कार को बांद्रा में रोका तो बाहर घूमने का इन लोगों के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था। इस पर मुंबई पुलिस ने दिशा और टाइगर के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन करने के बारे में बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस की गैर जिम्मेदार हरकत पर मजेदार तरीके से व्यंग किया। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में दिशा और टाइगर का नाम नहीं लिया लेकिन अपने रेफरेंस ट्वीट में इनकी पॉपुलर फिल्मों के नाम का सहारा लेकर मजेदार ढंग से जानकारी देते हुए लिखा, मुंबई पुलिस ने दूसरे लोगों को भी कोरोना महामारी के बीच बिना मतलब की हीरोपंती से बचने के लिए आगाह करने वाली चेतावनी भी दे दी। अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा, वायरस के खिलाफ चल रहे वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग की तरह बांद्रा की गलियों में घूमना दो एक्टर को भारी पड़ा। इन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 188 और 34 IPC की धारा में मामला दर्ज किया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना मतलब की हीरोपंती से बचें, जिससे COVID-19 में आपकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा पैदा ना हो। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे इन एक्टर्स का नाम नहीं लिया बल्कि इनकी फिल्मों के नाम से ही इनके बारे में जानकारी देते हुए कटाक्ष किया है। मंगलवार शाम को दिशा और टाइगर जिम से लौटने के बाद अपनी कार में बांद्रा बैंड स्टैंड के चक्कर लगा रहे थे तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान टाइगर कार के पीछे बैठे थे जबकि दिशा पाटनी आगे बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। हीरोपंती 2 में टाइगर काफी स्टंट्स करते दिखने वाले हैं और वैसे भी ये अपनी हर फिल्म में स्टंट्स करते ही हैं।
तो इसलिए ही जब वे दिशा संग पकड़े गए तो मुंबई पुलिस ने उन्हें हीरोपंती नहीं करने की दे दी सलाह। वे इंटरनेट पर ट्रोल भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टाइगर ने इसको रियल लाइफ स्टंट जैसा सोचकर किया है और उन्हें नियमों का उल्लंघन करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर खुद को सुपर हीरो समझने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या टाइगर ने ऐसा जान बूझ कर किया होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ टाइगर श्रॉफ ने, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का एक सीक्वल हीरोपंती 2 बन रहा है, जिसे इस बार सबीर खान नहीं बल्कि कोरियोग्राफर से निर्देशक बने अहमद खान निर्देशित करने वाले हैं। अब जब से मेकर्स और कास्ट ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है, तब से फैंस को भी फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट पाने का इंतजार रहता है। गौरतलब है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उनकी को स्टार रही एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी मुख्य किरदार में होंगी, जबकि बॉलीवुड के नए विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में नेगेटिव रोल में होंगे। फिल्म का निर्माण साजिद नडियादवाला के प्रोडक्शन हाउस नडियादवाला ग्रैंडसन के तहत किया जाएगा, जबकि फिल्म के म्यूजिक कंपोजर का काम AR रहमान को दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मार्च 2021 में शुरू हुई थी और मिड अप्रैल तक इसके पहले शेड्यूल को पूरा कर लिया गया था। हालांकि उसी बीच भारत में दोबारा लॉकडाउन लग गया, जिससे एक बार फिर शूटिंग और प्रोडक्शन के काम को रोक दिया गया। अब घर बैठे बैठे लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को सोशल मीडिया पर फिल्म की कई बिहाइंड द सीन्स के शॉर्ट्स पोस्ट कर उत्साह में डाल देते हैं। अगर बात फिल्म की कहानी की करें तो हमने आपको बताया था कि फिल्म में इस बार कई ज्यादा गुना एक्शन सीन्स और फाइटिंग होने वाली है, जिसके लिए टाइगर लॉकडाउन के बीच घर में ही रहकर अपनी बॉडी और फिजिक पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो सख्त डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और बाकी लोगों की तरह कोई नई डिश या फैट वाला खाना नहीं खा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर घर के आराम में ही रहकर वो खुद को बेहतर बना सके तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। गौरतलब है कि फिल्म की क्रू इसके विलन नवाजुद्दीन और बाकी कास्ट के साथ जुलाई में इसके दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेगी, जो कि रूस में होनी है। जी हाँ, फिल्म की कास्ट और क्रू जुलाई की शुरुआत में ही रूस के लिए रवाना होगी, जहाँ इसके ओवर द टॉप एक्शन सीन्स की शूटिंग की जानी है। एक्शन सीन्स के अलावा फिल्म के एक खास गाने की शूटिंग भी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में की जाएगी। फिलहाल फिल्म की टीम वहाँ की लोकल टीम के साथ मिलकर बढ़िया लोकेशन की तलाश कर रही है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए मेकर्स ने खास तौर पर हॉलीवुड के एक नामी स्टंट डिजाइनर से बात की है, जिन्हें फिल्म के लिए हीरोपंती 2 की जिसका सभी को इंतजार हो रहा है, अहमद खान द्वारा निर्देशित साजिद नडियाडवाला के बैनर तले बन रही हीरोपंती 2 ने मार्च में मुंबई में एक छोटा सा शेड्यूल पूरा किया था और टीम अब रूस में अपना दूसरा शेड्यूल शुरू करने जा रही है। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत ये टीम अगले महीने मॉस्को में और उसके बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग करने वाली है। आपको बता दें, हाल ही में साजिद नडियाडवाला ने फिल्म के पूरे कास्ट एंड क्रू को कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली थी। पूरी टीम को वैक्सीनेशन दिला दिया गया है ताकि शूटिंग सुरक्षित माहौल में की जा सके। फिल्म के अगर हम रिलीज की बात करें तो 3 दिसंबर 2021 को इसे रिलीज किए जाने का प्लान है। थिएटर में ही ये रिलीज होगी क्योंकि बड़े पैमाने में बन रही है, थिएटर के एक्सपीरियंस से बन रही है, लेकिन अगर कोविड ठीक नहीं हुआ तो अगले साल भी ये पोस्टपोन हो सकती है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि टीम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख एक्शन दृश्यों और एक गाने की शूट के लिए वहां पर योजना बना रही है। टीम वहां की स्थानीय टीम के साथ परफेक्ट लोकेशन तलाश कर रही है। हम इस लार्जर देन लाइफ एक्शन दृश्यों को चित्रित करने के लिए कई स्टंट डिजाइनरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, मेकर्स का कहना है, और उनमें से एक मार्टिन इवानो है, जो स्काई फॉल, द बॉर्न अल्टीमेटम और द बॉर्न सुपर मेसी में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इतना खतरनाक एक्शन होने वाला है, आप लगा सकते हैं इसका अनुमान। सूत्र आगे कहते हैं कि साजिद सर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीमों के रूस जाने से पहले सभी क्रू को टीका लगाया जाए। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म थी जहां नडियाडवाला ने उन्हें दुनिया के सामने लॉन्च किया और अब हीरोपंती 2 के साथ हम सब एक्साइटेड है कि ये फिल्म कब आए और फिर से एक बार एक्शन और स्टाइलिश अवतार हमें देखने को मिलेगा टाइगर श्रॉफ का। हीरोपंती 2 के म्यूजिक स्कोर की बात करें तो AR रहमान ने इसका पदभार सौंपा है। दिलचस्प बात यह है कि रहमान हीरोपंती सीक्वल के बैकग्राउंड स्कोर की रचना कर रहे हैं और रहमान द्वारा फिल्म के पूरे 5 गाने कंपोज किए जाने हैं।
बागी 2 और बागी 3 के बाद हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ और निर्देशक अहमद खान की तीसरी फिल्म होने वाली है। वहीं दारा सुतारी और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखेंगे। इससे पहले दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं, जो कि तारिया की डेब्यू फिल्म थी। खास बात यह है कि इससे पहले टाइगर और नवाज भी एक फिल्म में साथ दिख चुके हैं, जिसका नाम है मुन्ना माइकल। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं हीरोपंती 2 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थी सैड एंडिंग। फिल्म का कौन सा सीन था सबसे अजीब? आज की हमारी इस वीडियो में हम दो ऐसी फिल्मों की बात करने वाले हैं जिन्हें अपनी अपनी भाषाओं में खूब पसंद किया गया था। एक फिल्म दूसरी का रीमेक थी, और ऐसा रीमेक जिसने ओरिजिनल फिल्म के साथ पूरा न्याय किया हो। हम बात कर रहे हैं 2014 की हॉलीवुड फिल्म हीरोपंती और 2008 की साउथ फिल्म पारुगू की। गौरतलब है कि हिंदी फिल्म साउथ वाली फिल्म का रीमेक थी। वहीं हमने आपको इन दिनों फिल्मों के बीच की समानताओं और अंतर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहां हमने बेसिक चीजों की बात की थी, जबकि आज हम दोनों फिल्मों के सीन्स और उनके बीच के अंतरों के बारे में बात करेंगे। साउथ की पारगू में अल्लू अर्जुन जो मेन लीड थे, उनका परिचय रात में गलियों के बीच होता है, जबकि हीरोपंती में फिल्म के नाम की तरह बॉलीवुड स्टाइल में जिम में होता है। हालांकि सही भी है, स्टंट्स दिखाने के लिए जिम से बेहतर क्या होता। पारगू में अल्लू फिल्म की हीरोइन यानी शीला कौर को पहली बार गांव में देखता है, जब वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग रही होती है और उसके प्यार में पड़ जाता है। जबकि हीरोपंती में वो सीन जहां पहली बार बबलू को डिम्पी से प्यार हुआ, उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। पारगू में लड़की को हद से ज्यादा शरीफ और भोला दिखाया गया है, जिसे उसके परिवार ने बताया है कि प्यार करना गलत है, किसी भी आदमी की आंखों में देखकर बात नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो ये सब मान भी लेती है और अल्लू को इग्नोर करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। जबकि इससे बिल्कुल ही अलग हीरोपंती में कृति किसी भी समय प्यार के खिलाफ नहीं दिखती। फिल्म का वो सीन काफी अजीबोगरीब था जहां टाइगर नहा रहे होते हैं और अचानक से कृति को गले लगा लेते हैं। कोई भी ऐसे ही किसी को क्यों गले लगाएगा। हालांकि अल्लू की फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था। जिस तरह से हीरोपंती में रात में बाहर जाकर पार्टी करना दिखाया गया था, ऐसा कोई सीन भी परगू में नहीं था, बल्कि वहां आलू की माँ को दिखाया गया है और सभी लोग वहीं रहकर भागे हुए जोड़े को ढूंढते हैं। जैसा कि हीरोपंती में था कि वो हर समय भागे हुए जोड़े को मारने की बात कर रहे थे, जिसे हम ऑनर किलिंग भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी पारगू में नहीं था। पारगू में ओवरऑल बहुत ही कॉमेडी सीन्स हैं, जिनकी कमी हीरोपंती में दिखाई देती है। हीरोपंती जरूरत से ज्यादा एक सीरियस फिल्म थी। वहीं फिल्म के अंत की बात करें तो उसमें भी बदलाव किए गए थे। पारगू में अल्लू का किरदार शादी में पहुंचकर लड़की के पिता से कहता है कि वो किसी को भगाने नहीं आया है और वो लड़की को रिजेक्ट करता है, जबकि हीरोपंती में टाइगर साफ साफ कहते हैं कि वो लड़की को भगाने के लिए आए हैं। यही नहीं, इस फिल्म में कृति थी जो टाइगर को रिजेक्ट करती है। बहरहाल हम यही कहेंगे, अगर आपने पारगू नहीं देखी है तो आप इसे अल्लू अर्जुन के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। वहीं दोनों ही फिल्में देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से दोनों के बीच के अंतर को पहचान पाएंगे। और अगर हमारी इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात हीरोपंती 2 की करते हैं। जी हाँ, हीरोपंती 2 बन रही है, जिसके निर्देशक इस बार अहमद खान होंगे। फिल्म से जुड़ी कई बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां हमने आपको ये भी बताया था कि कृति सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। हालांकि आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप कृति के फैन हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि कृति भी फिल्म से जुड़ने वाली है। जी हाँ, हालांकि वो किसी किरदार में नहीं होंगी, बल्कि उनके लिए फिल्म में एक स्पेशल परफॉर्मेंस रखी गई है, जहां कृति हमें डांस करती दिखेंगी। अब बेशक ये सुनकर थोड़ा मायूस हुए होंगे, पर हमें यकीन है कि कृति के फैंस उनके एक जगह टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी और इसीलिए ही हीरोपंती 2 उनके फैंस के लिए एक बेहद खास फिल्म होने वाली है। और कब से इस फिल्म का इंतजार है, टाइगर की डेब्यू फिल्म थी और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। कृति सेनन उनके साथ नजर आई थी, लेकिन इस बार कृति को रिप्लेस कर दिया है तारा सुतारिया ने। जी हाँ, तारा और टाइगर इसमें नजर आएंगे। इससे पहले ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है जिसमें भरपूर एक्शन हो, और जहां टाइगर होते हैं वहां एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में मज़ेदार डायलॉग्स, कुछ गाने और कई हीरोइक एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। फिल्म की खास बात होगी इसकी कॉमिक सीन्स, और कॉमिक सीन्स बहुत ही
और कॉमिक सीन्स इस फिल्म में ह्यूमर पैदा करेंगे, यानी कि एक्शन कॉमेडी का ज़बरदस्त तड़का आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वही आपको बता दें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी एंट्री हो चुकी है इस फिल्म में। इनका नाम है वैभव चौधरी, और वैभव सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, दर्शकों का खूब प्यार मिला है उनके फिल्म में होने से। नेपोटिज्म विवाद के बीच चल रहे नफरत से फिल्म को छुटकारा भी मिल सकता है, क्योंकि वैभव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंडस्ट्री में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो एकदम कॉमन मैन जैसे हैं। और उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, ना कि किसी के बलबूते। ऐसे में लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और लोग अब ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिनको अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में लिया जाता है। तो वैभव के एंट्री से भी हीरोपंती 2 को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, हीरोपंती 2 का ऑलरेडी एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ज़्यादा स्टनिंग नज़र आए थे, लेकिन इसे एक हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर जो था वो कॉपी पोस्टर बताया गया। कहा गया कि ये हिटमैन का पोस्टर है, जो कि वाकई कॉपी पोस्टर था, लेकिन हो सकता है कि ये भी मेकर्स की स्ट्रेटेजी रही हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी जहां होती है वहां फिल्म का नाम उछली जाता है और फिल्म आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेकर्स की कोशिश भी रही होगी। तो आपको क्या लगता है, वे एंट्री से कितना फर्क पड़ेगा? क्या है टाइगर की फिल्मों का एक्स फैक्टर, गणपत या हीरोपंती 2 कौन मारेगी बाजी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं हीरोपंती के लीड एक्टर टाइगर की उन फिल्मों के बारे में जिसमें टाइगर ने हरी झंडी दी है। जिन फिल्मों में टाइगर की गणपत, हीरोपंती 2, रैम्बो शामिल हैं। बता दें, एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस फिल्म को जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक विकास बहल बना रहे हैं, और इसमें टाइगर मुंबई के एक बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए अपनी तारीखों पर काम किया है और भविष्य में होने वाली सभी फिल्मों के लिए एक शेड्यूल तैयार कर लिया है। इन फिल्मों में सबसे पहले टाइगर विकास की इस फिल्म के साथ ही शुरुआत करेंगे। बता दें कि वो फिल्म गणपत की शूटिंग की शुरुआत दिसंबर में करेंगे। एक बार शूटिंग शुरू हुई तो खत्म होके ही दम लेगी, बीच में वो कोई आराम नहीं करेंगे। फिल्म में टाइगर एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेना पहले से ही शुरू कर दिया है। वैसे तो पहले से ही एक अच्छे स्टंटमैन और एक्शन हीरो हैं टाइगर, इसीलिए उन्हें बॉक्सर जैसी कलाएं सीखने में ज्यादा वक्त तो नहीं ही लगेगा। नवंबर के महीने में हो सकता है कि फिल्म के निर्माता इसका पहला पोस्टर भी रिलीज कर दें। फिल्म गणपत में विकास टाइगर को कुछ इस तरीके से पेश करेंगे जैसा उन्हें पहले पर्दे पर कभी नहीं दिखाया गया। बॉक्सिंग के साथ टाइगर मुंबई की बोली पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि बोले तो एकदम रैपचिक और टपोरी टाइप की। साथ ही इस फिल्म के पहले टाइगर अपनी दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और साजिद नडियाडवाला इसके निर्माता हैं। टाइगर की दोनों ही फिल्में एक्शन हैं, लेकिन उनका रूप दोनों में ही अलग होगा, क्योंकि टाइगर की फिल्मों में एक्शन ना होना मतलब गाजर के हलवे में गाजर ना होना। आप खुद समझ जाइए कितना अजीब लगेगा बिना एक्शन की फिल्मों में टाइगर का होना। गणपत में टाइगर काफी हद तक वास्तविक नजर आएंगे, लेकिन शीर्षक के हिसाब से हीरोपंती 2 में टाइगर की हीरोपंती ही दिखाई देगी। इन दो फिल्मों के अलावा टाइगर के पास रैम्बो की हिंदी रीमेक भी है। इस फिल्म को रोहित धवन निर्देशित करेंगे। एक बार हीरोपंती 2 की शूटिंग खत्म होगी, इसके बाद टाइगर अपनी फिल्म रैम्बो की भी शुरुआत कर देंगे। क्या बागी फिल्म के बाद हीरोपंती 2 का भी डायरेक्शन करेंगे अहमद खान? अहमद खान ने अपने करियर की पहली फिल्म कौन सी डायरेक्ट की थी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस के लिए हीरोपंती 2 एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है। वन दर्शक इस फिल्म का इंतजार हीरोपंती पार्ट 1 के रिलीज के बाद से ही करने लगे थे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी हीरोपंती, और इस फिल्म में उनके एक्शन सीक्वेंस को लोगों ने काफी पसंद किया। खास तौर पर कीर्ति सेनन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को भी लोगों का भरपूर प्यार मिला, और इसी वजह से लोग अब हीरोपंती 2 की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था शब्बीर खान ने। अब ऐसी खबरें आ रही है कि हीरोपंती 2 को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान। अहमद खान ने इससे पहले भी बॉलीवुड की कई नामी गिरामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, और वो बॉलीवुड के A1 डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। तो इसी वजह से हम ये बिल्कुल कहेंगे कि प्रोड्यूसर ने अहमद खान को ये ड्रीम प्रोजेक्ट देकर कोई गलती नहीं की। तो
तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अहमद खान कैसे बने बॉलीवुड के A1 एक्शन थ्रिलर डायरेक्टर। उनका जन्म बेसिकली 3 जून 1974 को हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए चाइल्ड एक्टर की थी अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया के थ्रू। इसके बाद अहमद खान ने एज अ सिनेमाटोग्राफर अपने करियर को एस्टैब्लिश करना चाहा और उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी भी की, जैसे कि किस गजनी जैसी फिल्म। ये तमाम फिल्म सक्सेसफुल भी साबित हुई और इससे अहमद खान के करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट अप भी मिला। पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके करियर में तब आया जब उन्होंने बागी 2 को डायरेक्ट किया। बागी 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और इसके बाद लोगों को उनका डायरेक्शन काफी पसंद आने लगा। इसी वजह से एक बार फिर अहमद खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने कमबैक किया बागी 3 के साथ। बागी 3 भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, इसी वजह से एक बार फिर से आपको टाइगर श्रॉफ और अहमद खान की जोड़ी हीरोपंती 2 के जरिए देखने को मिल सकती है, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं अहमद खान और जिसमें मेन लीड के तौर पर नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में जी भर के स्टंट सीक्वेंस करने वाले हैं, जो लोगों को काफी पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप हीरोपंती 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स, तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 के बारे में, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में दिखेंगे। टाइगर श्रॉफ का आधा करियर तो टॉलीवुड फिल्म के रीमेक्स में ही गुजर गया है और ऐसे सूत्र दावा कर रहे हैं कि हीरोपंती 2 की कहानी भी टॉलीवुड की किसी फिल्म का रीमेक होने वाली है। हालांकि इस बार हीरोपंती 2 की कहानी थोड़े हाई लेवल पर दिखाई जाएगी ऑडियंस को, साथ ही फिल्म का जो भी कंटेंट होने वाला है वो इम्प्रोवाइज तरीके से दर्शाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हीरोपंती 2 के लिए टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस तो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार हीरोपंती 2 में उनका किरदार कुछ हटकर होने वाला है, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे वो रात को निकलते हैं और अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करते हैं, खास तौर पर उन लोगों का जो आम लोगों को सताया करते हैं। इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में एक सीक्रेट मिशन पर भी भेजे जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही वो एक रॉ एजेंट का किरदार निभाने वाले हैं। हीरोपंती 2 में जो फीमेल लीड के तौर पर नजर आने वाली है तारा सुटारिया, उनका किरदार भी बेहद दिलचस्प होने वाला है फिल्म में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, तारा सुटारिया हालांकि इस पिक्चर में टाइगर श्रॉफ के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखेंगी, लेकिन वो भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन जाती है ना चाहते हुए भी। फिल्म की कहानी में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह टाइगर श्रॉफ को जिस सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है, वहाँ का गैंगस्टर अपने ताकत के बदौलत टाइगर की गर्लफ्रेंड यानी तारा सुटारिया के हाथों ही इंडियन गवर्नमेंट के एक हेड को मरवा देता है। बाद में टाइगर श्रॉफ बुरी तरीके से फंस जाते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी कश्मकश में तारा सुटारिया की भी मौत हो जाती है। जब टाइगर पर हमला होता है तो तारा सुटारिया उसके बीच आ जाती है। तारा के मौत के बाद टाइगर श्रॉफ बेहद गुस्से में आ जाते हैं और अपने अकेले के दम पर इन इंटरनेशनल गैंगस्टर्स को खत्म करना चाहते हैं, और इस मिशन में उनका साथ देती है इंडियन गवर्नमेंट। हमें देखने को मिलेगा टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन और स्टंट्स। जी हाँ, इस पिक्चर में वो जबरदस्त स्टंट्स परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं। वेल, क्या लगता है आपको, हीरोपंती 2 एक मैसिव हिट साबित होगी या फिर एक फ्लॉप? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मोटी कमाई वाली नौकरी छोड़ कैमरे को क्यों चुना कृति सैनन ने? विलन बनने से पहले क्या करता था, आज मसीहा बन चुका ये सितारा।
मशीन ने छोड़ सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों चुना विकी ने। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जो अगर आज फिल्मी पर्दे पर दिखाई नहीं देते तो शायद बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए 9-5 का जॉब कर रहे होते, अपना समय भी बिता रहे होते। लेकिन इन लोगों के लिए डेस्टिनी ने शायद कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए तो इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की और उनका नाम सुपरस्टार्स की लिस्ट में आता गया। आइए हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताते हैं। पहला नाम आता है सोनू सूद का। आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते प्रवासी लोगों को घर पहुंचने का काम करके मसीहा बने सोनू सूद साउथ फिल्मों के सुपरहिट हीरो हैं। सोनू नागपुर में यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। सोनू फिटनेस फ्रीक भी है। एक्टर बनने से पहले वो मॉडलिंग में भी अपना हाथ अजमा चुके हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म अरुंधति के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। दूसरा नाम आता है विक्की कौशल का। रमन राघव और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक्टर विक्की कौशल को उनकी अवार्ड विनिंग फिल्म मसान में अपने शानदार एक्टिंग के लिए बहुत तारीफें मिली। पर क्या आप जानते हैं कि विक्की बॉलीवुड के मशहूर स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं। विक्की ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बजाय वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने। तापसी पन्नू। महिला प्रधान फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाली तापसी पन्नू दिल्ली के गुरु टेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। फिल्मों से पहले उन्होंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की थी। फिल्म चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिर आते हैं कार्तिक आर्यन। फिल्म प्यार का पंचनामा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कार्तिक आर्यन के पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों है। ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक ने मुंबई से बायोटेक्नोलॉजी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया, लेकिन इस एक्टिंग कोर्स के बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा ब्लॉकबस्टर हिट रही। इस फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा सा था, लेकिन दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब बखूबी सहारा। फिर आती है कृति सेनन। साल 2014 में टाइगर के अपोजिट फिल्म हीरोपंती से अपना बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने नोएडा के जीपी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसके बाद अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। फिर आते हैं आर माधवन। स्टूडेंट लाइफ के दौरान आर माधवन का एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा। कोहलपुर से माधवन ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। माधवन 2 साल के लिए एक प्रोग्राम का कल्चरल एम्बेसडर बनकर कनाडा गए। इसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप भी ली थी। फिर आती है अमीषा पटेल। ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार से रातों रात स्टार बनने वाली अमीषा पटेल भी पेशे से इंजीनियर है और वे बायोपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिग्री रखती है। अब इसी लिस्ट में शामिल है खूबसूरत एक्ट्रेस कृति की बात करें। कृति आजकल कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं। इसके अलावा हाल ही में उनकी पहली फिल्म के साथ साथ उन्होंने भी बॉलीवुड में अपने 7 साल पूरे किए हैं। 7 सालों बाद मेकर्स ने फिल्म का एक सीक्वल बनाने का फैसला भी लिया है। वही सीक्वल का पिछली फिल्म से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होगा, परंतु फिर भी खास खबर ये है कि कृति फिल्म का हीरोपंती का कौन सा सॉन्ग हुआ था कश्मीर में शूट। बर्फ में शूट करने में टाइगर और कृति को किन किन परेशानियों का करना पड़ा सामना और कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साफ नीला पानी, पहाड़, झील और सुखद जलवायु कश्मीर की घाटी के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। सेब और चेरी के बागान, शिकारे और ट्रकों की सवारी, हाउस बोट और कश्मीरी हस्तशिल्प इस जगह के सौंदर्य को और भी अधिक आकर्षक बना देते हैं। डल झील और नागिन झील की शुमार यहाँ की प्रसिद्ध झीलों में होती है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। जम्मू और कश्मीर मूल रूप से 3 क्षेत्रों में अपनी सीमा को शेयर करता है,
यानी इसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल है। भारत के अंतर्गत आने वाला जम्मू और कश्मीर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जिससे अपनी छुट्टी बिताने के लिए पर्यटक साल में कभी भी यहां आ सकते हैं। ये जगह प्रकृति के प्रेमियों के अलावा साहसिक गतिविधियों में लिप्त उत्साही लोगों के दिल में भी खास मुकाम रखती है। तो आपको बताते चलें कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट जहांगीर भी हमेशा ही इस जगह के लिए मुहावरे कहते थे। बादशाह का ये मानना था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। तो इन्हीं वादियों में शूटिंग हुई थी फिल्म हीरोपंती के रब्बा सॉन्ग की। वैसे तो इस सॉन्ग को सपने में दिखाया गया था कि टाइगर सपना देख रहा है, काश की शूटिंग भी सपने में ही हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जा सकता है, पर होता तो सब कुछ असलियत में ही है। जी हाँ, इस सॉन्ग की शूटिंग को कश्मीर की ठंडी वादियों में शूट किया गया था। शूटिंग के वक्त कृति ने यह भी कहा था कि ऐसा सपना टाइगर ने देखा ही क्यों, मन करता है कि टाइगर को मार दूं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कश्मीर में उस वक्त बहुत ठंड थी और ऐसे समय में साड़ी में शूटिंग करना अपने आप में ही एक अलग ही चैलेंज था। लेकिन परेशानियां सिर्फ कृति ने नहीं बल्कि टाइगर ने भी उतनी ही झेली थी। जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सॉन्ग में ज़्यादा डांस मूव्स टाइगर के ही थे, और क्योंकि ये पहली बार था तो बर्फ़ पर डांस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इतना ही नहीं, गाने में झूले वाले सीन से टाइगर शूट करते वक्त गिर भी गए थे। पर कहते हैं ना, हार्ड वर्क पे ऑफ, बस वही हुआ टाइगर के साथ भी। इनकी मेहनत फिल्म की कामयाबी बनकर सामने आई। डांस मूव से एक्शन और डायलॉग सब कुछ काफ़ी फेमस हुआ। अब इसी मेहनत के साथ टाइगर एक बार फिर हीरोपंती 2 के सीक्वल के साथ नजर आने वाले हैं, जिसमें भी एक सॉन्ग को कश्मीर के पास लद्दाख में फिल्माने की मंजूरी मिल गई है। अब लेकिन वो सॉन्ग कौन सा होगा, उसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो। साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती के डायलॉग्स, गाने, एक्शन सीन्स और रोमांटिक सीन्स सभी काफी कमाल के थे। इसके अलावा फिल्म की कहानी भी काफी दिलचस्प थी। अब जब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है तो आइए उससे पहले पिछली फिल्म की कहानी पर ही नजर डाल लेते हैं। तो ये कहानी एक गांव में शुरू होती है, जहां सूरज सिंह चौधरी यानी कि प्रकाश राज हरियाणा के एक जाट परिवार के बहुत सख्त मुखिया हैं और अपने और आसपास के गांव में एक सम्मानित नेता भी है। तो जब चौधरी की बड़ी बेटी रेनू अपने प्रेमी राकेश के साथ अपनी शादी की रात भाग जाती है तो चौधरी उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालने का फैसला करता है। चौधरी और उसके लोग बबलू यानी कि टाइगर श्रॉफ सहित राकेश के बाकी दोस्तों को घेर लेते हैं और उन्हें तब तक बंदी बनाकर रखते हैं जब तक कि वो जोड़े के ठिकाने के बारे में नहीं बता देते। चौधरी को ये बताने के बावजूद कि वो कुछ नहीं जानते, कोई उन पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच बबलू अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसी गांव की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वह उसे नहीं जानता और उसी निशानी या पहचान के तौर पर उसके पास उसकी एक गिरी हुई कांवा की बाली है। बबलू समेत सारे दोस्त एक दिन चौधरी के चुंगल से भागने में काफी हद तक सफल हो जाते हैं, लेकिन बबलू को उस लड़की की एक झलक मिलती है और वो अपने ट्रैक में ही रुक जाता है और बाकी के लड़के भी उसी की वजह से फंस जाते हैं। उधर दूसरी ओर चौधरी की छोटी बेटी और रेनू की छोटी बहन डिम्पी यानी कि प्रीति सेरन को रेनू के लव लेटर्स मिलते हैं और वो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करती हैं, परंतु लेटर्स गलती से बबलू और उसके दोस्तों के हाथ पड़ जाते हैं। तो अब बबलू उनका फायदा उठाता है और अपनी बहन का पता बताने के बदले में वह उसे उस लड़की का पता मंगवाने में मदद करने को बोलता है। उसी रात बबलू भाग जाता है और अंधेरे में चौधरी के घर घुसकर शराब पी लेता है। डिम्पी को बबलू मिलता है और वह उसे उस लड़की की निशानी देती है। तब उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को बबलू ने देखा था वह कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है।
तो क्या अब डिम्पी बबलू को सब सच बता देगी और क्या अब उनकी लव स्टोरी हो पाएगी शुरू? परंतु क्या होगा जब चौधरी को पता चलेगा इसके बारे में? इन सब सवालों के जवाब हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। तब तक के लिए बात कर लेते हैं फिल्म के सीक्वल के बारे में। और आपको बता दें कि साजिद नाडियाडवाला अपने प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन के तहत बन रही और अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया को मुख्य किरदारों में रख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा अप्रैल में शूट किया गया था, लेकिन तभी लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे कि बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। अब जून के अंत में दोबारा फिल्म की शूटिंग इसके विलेन के साथ शुरू की जाएगी। विलेन का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं। टाइगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दोबारा काम करने के लिए काफी उत्सुक भी है। गौरतलब है कि इससे पहले वो दोनों एक साथ में मुन्ना माइकल में काम कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूल। में है व्यस्त, आखिर तारा के कितने और कौन से लुक से हैं लोग इंस्पायर्ड? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे युवा दिलों की धड़कन तारा सुतारिया की, जो टाइगर के साथ हीरोपंती 2 में नजर आने वाली हैं। अब दोस्तों बता दे कि तारा सुतारिया लंबे समय के बाद घर से बाहर नजर आई हैं। मुंबई में लगे लॉकडाउन के बाद से ही वो कैमरे की नजर से दूर थी, लेकिन इस लंबे इंतजार के बाद वो जैसे ही कैमरे के लेंस में कैद हुई, तारा ने अपने इस खास लुक से फैन को सरप्राइज कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। अब दोस्तों बता दें कि तारा सुतारिया बी टाउन की न्यू डीवा में से एक हैं। इसके साथ ही फैशन के मामले में वो बिल्कुल ही अलग जगह रखती हैं, जिसमें उनके सुपर ग्लैमरस लुक से लेकर देसी अंदाज तक शामिल है। पार्टी से लेकर इवेंट तक वो जहां वो बिल्कुल बोल्ड और बिंदास आउटफिट के साथ हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं, तो वहीं उनके ट्रेडिशनल कपड़ों में आए फोटोशूट बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। तो दोस्तों तारा ट्यूब टॉप के साथ अक्सर ही बोल्डनेस का तड़का लगाती दिखी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आउटिंग के लिए बिल्कुल ही सैसी लुक का चुनाव किया है। अब आपको बता दें कि तारा सुतारिया काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी, इस दौरान उनका सेक्सी लुक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। तारा ने साउटिंग के लिए सफेद रंग के कोऑर्ड सेट स्कर्ट और टॉप को चुना, जिस पर भूरे रंग के पॉलका डॉट्स बने थे। माइक्रो स्कर्ट की वेस्ट लाइन के नीचे की ओर फ्रिल डिजाइन की गई थी, जो तारा को प्रिंसेस लुक दे रही थी। वहीं दोस्तों साथ में टॉप भी मैचिंग का ही था। बेस्ट टॉप की डीप नेक लाइन और क्रॉप लुक काफी हॉट लुक दे रहा था। इस टॉप पर ब्रांड स्ट्रैप भी लगी थी। कुल मिलाकर ये क्रॉप टॉप और माइक्रो स्कर्ट तारा को पूरी तरह से बोल्ड लुक देने पर काम कर रहा था, जिसमें दोस्तों तारा अपने टोन्ड लेग्स भी फ्लॉन्ट कर रही थी। अब दोस्तों तारा ने इस लुक पर अधिक फोकस करने के लिए न्यूड शेड के फ्लैट का चुनाव किया था, जिसके साथ ही उनकी ड्रेस पर ही हर किसी की निगाहें जा रही थी। तो दोस्तों तारा के इस ओवरऑल लुक में उनकी पूरी फिगर शानदार तरीके से फ्लॉन्ट हो रही थी। वहीं तारा ने चेहरे पर मास्क और मेसी हेयर के साथ एक लुक को पूरा किया था। इसके साथ ही तारा हाथों में दो हैंडबैग के साथ भी नजर आ रही थी। अब दोस्तों बता दें कि इन दिनों तारा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे डब्रू रत्नानी के कैलेंडर के लिए शूट किया गया है। अब दोस्तों इन तस्वीर में तारा बिना पैंट के ओवर साइज शर्ट के साथ पोज दे रही हैं, वहीं साथ में टैन ब्राउन कलर के बूट्स भी पहन रखे हैं। अब आपको तारा का कौन सा लुक ज्यादा पसंद है हमें कमेंट से। बॉलीवुड में अपनी सुपर हिट एंट्री करने वाले टाइगर श्रॉफ की इस डेब्यू फिल्म का जल्दी होने वाला है सीक्वल रिलीज। इस बार न्यू फिल्म होगी ओरिजिनल पार्ट से काफी ज्यादा अलग। क्या है इस फिल्म का बड़ा ट्विस्ट, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। और आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के स्टंटमैन और मोस्ट फ्लेक्सिबल एक्टर टाइगर श्रॉफ की न्यू अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 से जुड़ी कुछ दिलचस्प अपडेट्स। जैसा कि सभी जानते हैं कि हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी, साथ ही साथ हीरोपंती एक टॉलीवुड फिल्म की रीमेक भी थी। टाइगर श्रॉफ की ज्यादातर सभी फिल्में रीमेक पर बनी हुई हैं। वहीं जल्द ही रिलीज होने वाली टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती मूवी का सीक्वल भी एक टॉलीवुड फिल्म का ही रीमेक होने वाला है।
जहां हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, साथ ही साथ अपनी हीरोइन कृति सैनन से भी बेशुमार प्यार करते थे और एंड में अपनी प्रेमिका को पा ही लेते हैं। वहीं इस मूवी के सीक्वल में इस बार रोमांस कहीं भी नजर नहीं आएगा। एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि उन्हें रोमांटिक फिल्मों से ज्यादा एक्शन मूवीज करने में मजा आता है और ज्यादातर टाइगर्स की सभी फिल्मों में एक्शन देखा गया है, रोमांस कहीं कहीं पर उसमें उस फिल्म का हिस्सा होता है, लेकिन इस बार हीरोपंती 2 को पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर फिल्म के तौर पर दिखाया जाएगा। हीरोइन तो होगी लेकिन रोमांस कहीं भी नजर नहीं आएगा। जी हाँ, इस बार की कहानी कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि टाइगर श्रॉफ एक ऐसे इंसान का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे जो कि लोगों की रात में काफी ज्यादा मदद करता है, चाहे चोरी हो या किडनैपिंग। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो टाइगर को अब्रॉड एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के ग्रुप को मारने के मिशन पर भेजती है, मगर किसी वजह से उनकी पहचान को गलत समझ लिया जाता है और उन्हें भी आतंकवादियों का एक हिस्सा मान लेते हैं। पूरी फिल्म में सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से टाइगर श्रॉफ ने खुद को सही साबित किया और इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है जिसे टाइगर श्रॉफ को प्यार हो जाता है वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेंगी, जिससे वो लास्ट तक वो नफरत नहीं कर पाते हैं। वो खुद को तो सही साबित करके अपने देश वापस चले जाते हैं मगर उनके दिल में अपनी हीरोइन यानी तारा सुतारिया के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को मारने की लड़ाई और टाइगर श्रॉफ की खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद दिखाई जाएगी और अंत में एक ऐसा इमोशनल प्लॉट आएगा जिसमें वो दुनिया भर से तो जीत जाते हैं, अपने आप को सही साबित करके अपने देश वापस आ जाते हैं, लेकिन अपने दिल से तारा सुतारिया के लिए प्यार नहीं निकाल पाते। हालांकि टाइगर कभी दिखाते नहीं है। ये कहानी सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसे बड़े पर्दे पर किस तरह से उतारा जाएगा। तो आपके हिसाब से इस फिल्म को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम फिर हाजिर होंगे आपके पसंद फ्रेश और न्यू वीडियो में। हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुपरस्टार जैकी श्रॉफ के जूनियर टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के बाद से ही पूरे हिंदी सिनेमा ऑडियंस के बीच अपना नाम बना लिया था। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती उनके लिए बहुत ही खास फिल्म है और इसका सीक्वल बनना उनके लिए उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्मों में से एक है जिसमें वो अपनी पूरी जान डाल देना चाहते हैं। फिल्म का फर्स्ट पार्ट एक टॉलीवुड फिल्म का रीमेक था तो वहीं फिल्म का सीक्वल भी एक टॉलीवुड फिल्म का रीमेक ही होने वाला है। इस फिल्म को भी टाइगर श्रॉफ के मेंटोर अहमद खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और अहमद खान को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मेंटोर मानते हैं और आखिर माने भी क्यों ना, उन पर सबसे पहले भरोसा अहमद खान ने ही दिखाया था। अहमद खान ने टाइगर को बॉलीवुड में हीरोपंती से डेब्यू ही नहीं कराया बल्कि बागी जैसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी के हर सीक्वल में उनको मेन हीरो रखते हुए उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। वापस से उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती का सीक्वल बनने की बात आजकल मार्केट में काफी तेजी पकड़ रखी है। वहीं इस फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर तारा सुतारिया का नाम सामने आ रहा है, मगर हीरोपंती के सीक्वल के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद तारा सुतारिया नहीं थी, या फिर ये कहें तारा सुतारिया कभी भी फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की पसंद थी ही नहीं। हीरोपंती की सीक्वल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद कोई और थी। क्या आप जानते हैं किसको रिप्लेस करके आई है तारा सुतारिया इस फिल्म में? तो आपको बताते हैं इस फिल्म के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद का नाम। हीरोपंती 2 के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद सारा अली खान थी। जिस तरह सारा अली खान हर फिल्म के बाद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाती जा रही है, हीरोपंती 2 के लिए सारा अली खान को पूरी तरीके से फाइनल कर लिया गया था। फिल्म को लेकर सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी। सारा अली खान का फिल्म में होना पूरे तरीके से कन्फर्म था, मगर आखिरी मोमेंट पर रातों रात सारा अली खान की फिल्म से एग्जिट हो गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद किस तरह ड्रग्स और नार्कोटिक्स का इसमें बार बार इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा था और कई सेलिब्रिटीज का नाम भी इस स्कैंडल से जुड़ गया था। उसमें से एक नाम सारा अली खान का भी जोड़ा जा रहा था और सारा अली खान को भी नारकोटिक्स ब्यूरो में इंटरोगेशन के लिए जाना पड़ा था। ऐसे में उन्हें फिल्म में रखना हीरोपंती 2 के लिए खतरा साबित हो सकता था। इस वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सारा अली खान को फिल्म से बाहर निकालना पड़ा। ऐसे में अगली हीरोइन कौन होगी ये सोचा ही जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ ने तारा सुतारिया का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ का तारा सुतारिया के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था, जिसके बाद टाइगर अपनी हीरोपंती 2 के लिए तारा सुतारिया को फिल्म में लाना चाहते थे।
बिना पहले कोई फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद तारा ने अपनी एक्टिंग से सभी दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। जब से तारा ने फिल्म साइन की है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तारा सुतारिया से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है और उनका ये मानना है कि तारा सुतारिया से बेहतर ऑप्शन उनके पास कोई नहीं होता। ऐसे में फिल्म में अब तारा फाइनल हो गई है। हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट में नजर आने वाली है। इस फिल्म में तारा सुतारिया को क्या फैंस देखना पसंद करेंगे या फिर सारा अली खान की कमी खलने वाली है? क्या लगता है आपको, क्या सारा अली खान तारा से बेटर चॉइस होती या फिर तारा सुतारिया पसंद आया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की म्यूजिकल हिस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ भले ही एक्टिंग के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्शन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनके मूव्स उनके दीवाने इंडिया भर में कम नहीं है। उन्होंने अपनी पहली रिलीज के बाद से ही पूरे देश भर को दिखा दिया कि एक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी में उनको टक्कर शायद ही कोई दे पाएगा। अगर बात करें उनकी म्यूजिकल हिस्ट्री के बारे में तो दोस्तों, उनकी इस करियर की लाइन में कुछ गाने ऐसे हैं जो लोगों को बेहद पसंद आए। तो आइए आज उन गानों की इस लंबी लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो इस लिस्ट को शुरू करने के लिए हमको जाना होगा थोड़ा सा पीछे उनको डेब्यू मूवी के पास। 2014 में रिलीज हुई उनकी और कृति सेनन की डेब्यू मूवी हीरोपंती, जिसमें इन दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा गया। इस मूवी में काफी एक्शन और थ्रिल, ड्रामा सब चीज मौजूद थी और इसीलिए इस मूवी को बेहद प्यार मिला दर्शकों द्वारा। अगर बात किया जाए इस गाने के, यानी कि इस मूवी के गाने के बारे में, तो इस मूवी के द पपी सॉन्ग और साथ ही साथ है मेरे नाल तू विसल बजा बहुत फेमस हुए और इतने ज्यादा फेमस हुए कि रिलीज के बाद से मानो हर फोन का रिंगटोन वही दो गाने थे। इस गाने को YouTube पर 35 मिलियन व्यूज मिले और इस गाने के बंपर बनी हिप हॉप वीडियोस और डांस वीडियोस पूरे इंटरनेट भर में वायरल हो रही थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा फैंस हैं हम लोग टाइगर श्रॉफ के डांस मूव्स के। अब बढ़ाते हैं इस लिस्ट को आगे और जाते हैं उनकी अगली मूवी बागी की तरह, जो कि उनके डेब्यू के 2 साल बाद आई। इस मूवी में उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आई और इन दोनों को भी साथ में दर्शकों ने बेहद प्यार दिया। अगर बात करें ऑन स्क्रीन जोड़ी के बारे में तो इन दोनों ने फिल्म में काफी सुंदर डांस स्टेप्स किए हैं और काफी इनके मूव्स को फेमस किया गया है। यह मूवी 2016 में आई थी और यह एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसमें एक्शन बहुत ज्यादा था। एक बात तो इससे क्लियर हो गई थी इस मूवी को देखने वाली ऑडियंस की कि टाइगर श्रॉफ की फ्लेक्सिबिलिटी का टक्कर इस इंडस्ट्री में शायद कोई और ही है। तो दोस्तों, इस मूवी के गाने की बात करें तो इस मूवी का एक सॉन्ग था जिसमें श्रद्धा कपूर बारिश के नीचे खुद को एंजॉय करती नजर आई थी और उसका नाम छम छम था। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप भी यह गाना गुनगुनाने लगे होंगे। तो यह छम छम गाना YouTube पर 940 मिलियन बार देखा जा चुका, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को यह गाना कितना पसंद आया। जहाँ श्रद्धा कपूर खुद को इस बारिश में एंजॉय करती नजर आई, वहीं टाइगर श्रॉफ ने आखिरी मोमेंट पर अपनी एंट्री देके मारो चार चांद लगा दिए इस गाने को और इसीलिए लोगों ने इस गाने को बेहद पसंद किया और इसके ऊपर इतनी डांस वीडियोस बनी हैं कि शायद आप काउंट भी न कर पाए। तो चलिए इस वीडियो की इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सी उनके करियर की अगली मूवी जिसके गाने फेमस हुए। तो उनके करियर की अगली मूवी थी द फ्लाइंग जट, जो कि रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित की गई थी। ये काफी दुख की बात है कि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने इस मूवी को बहुत सराहा और जैकलिन फर्नांडिस और उनके बीच की कॉमेडी केमिस्ट्री को बहुत प्यार दिया। इसमें टाइगर श्रॉफ हमको एक सुपर हीरो के रूप में नजर आते हैं जिनकी प्रेमिका जैकलिन फर्नांडिस होती है। अगर बात करें इस फिल्म के फैन बेस के बारे में तो इसका एक छोटा सा फैन क्लब है जो मानता है कि बहुसंख्यकों ने इस सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म मूवी को समझा नहीं और इसीलिए इस मूवी को व्यूज और शायद इतना प्यार ना मिल पाया है। अगर बात करें इस फिल्म के गाने के बारे में तो ये बात बहुत लाजमी है कि इस फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, टूटा जो कभी तारा। इतना खूबसूरती से गाना गाया गया, उतना ही खूबसूरती से इस गाने में रोल को भी निभाया था टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस ने, जिसमें वो दोनों एक छोटा सा रोमांटिक सीन करते नजर आए। अब बढ़ाते हैं इस लिस्ट को आगे और चलते हैं हम सब की अगली मूवी बागी 2 की तरफ।
हालांकि बागी की काफी लंबी सीरीज बन चुकी है और अब बागी 2 उन्होंने दिशा पटानी के साथ की। दिशा पटानी और उनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी है, इसीलिए लोग उनको ऑन स्क्रीन साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। इस बात से हम सबको दुख है कि यह फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों की तरह उतनी कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन फिर भी इस फिल्म में दोनों के डांस मूव लोगों को अंधे पसंद आए। और वैसे भी जब दोनों के दोनों डांस में इतने सुपर हिट हो तो लोगों को गाने पसंद आना बहुत ही लाजमी बात है, और इस फिल्म का मुंडिया गाना लोगों के दिलों में काफी बेहतरीन तरीके से छा गया। अब आइए बात करते हैं उनकी एक और मूवी के बारे में जो हम लोगों के सामने जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको चलना पड़ेगा दोबारा से उनकी डेब्यू मूवी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इस बार उनकी डेब्यू मूवी हीरोपंती का सीक्वल बनने वाला है, जिसमें एक बार फिर टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे, और इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ हमको तारा सुतारिया नजर आने वाली है। देखने की बात होगी कि इस नई डुओ को और इसकी नई केमिस्ट्री को लोग कितना प्यार दे पाते हैं और इन दोनों को ऑन स्क्रीन कितना पसंद किया जाता है। अगर बात करें इनके गानों के बारे में तो इस बार एक स्पेशल टीम रखी गई है इस फिल्म के गानों के बारे में, इसलिए देखना होगा कि इस बार इस फिल्म के गाने क्या बाकियों की तरह सुपरहिट होते हैं और क्या अपने द्वारा सेट किया बेंचमार्क को तोड़ पाएंगे टाइगर श्रॉफ। खास बात ये भी है कि इस बार इस फिल्म को सभी नहीं बल्कि अहमद खान निर्देशित करते नजर आएंगे। तो इस मूवी में ये बात तो पक्की है कि अहमद खान वाला एक ट्विस्ट और एक छोटा सा टच तो उनको देखने को जरूर मिलेगा। अब खास बात होगी कि लोग इस नई मूवी को कितना प्यार दे पाएंगे और क्या ये मूवी अपनी पुरानी वाली मूवी का कंटिन्यूएशन होगी। खैर, अब हम आपसे लेते हैं विदा। आप कीजिएगा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और जल्दी से कर लीजिए बॉलीग्राफ 2 के एक्शन सीन। एक्शन सीन के अलावा क्या गाने भी होंगे शूट रूस में ही? आज फिर बात होने वाली है सबके दिल में बसने वाले एक्शन के पर्यायवाची और अपने लुक्स से सबको दीवाना करने वाले टाइगर के बारे में। बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती 2 के एक्शन सीन रूस में शूट किए जाएंगे। टीम के सदस्य जुलाई में रूस जाएंगे। अहमद खान द्वारा निर्देशित साजिद नाडियावाला की हीरोपंती 2 की दूसरी किश्त ने मार्च मुंबई में एक छोटे से शेड्यूल की शुरुआत की थी। अब टीम जल्द ही रूस में अपना दूसरा शेड्यूल शुरू करेगी। कलाकार अगले ही महीने मॉस्को में शूटिंग शुरू करेंगे और उसके बाद रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग शुरू करेंगे। कुछ प्रमुख एक्शन सीन को फिल्माने के अलावा टीम रूस में एक गाने की भी शूटिंग करेगी। माना जा रहा है ये गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक होगा, जिसमें तारा सुतारिया और टाइगर नजर आने वाले हैं। इसे मुंबई के मशहूर कोरियोग्राफर टेरेंस कोरियोग्राफ करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में खतरनाक एक्शन सीन होने वाले हैं, जो कि पिछली हीरोपंती से भी ज्यादा दमदार होने वाले हैं। बता दें कि फिल्म की टीम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख एक्शन सीन और एक गाने को शूट करने की योजना बना रही है। टीम वहां की स्थानीय टीम के साथ सही स्थानों की तलाश कर रही है। हम बड़े एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए कई स्टंट डिजाइनरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उनमें से एक मार्टिन इवानो, जो स्काईफॉल 2012, द बॉर्न अल्टीमेटम 2007, द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004 में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साजिद नाडियावाला ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीम के रूस जाने से पहले सभी क्रू मेंबर्स का वैक्सीनेशन हो जाए। ये फिल्म टाइगर और कृति सैनन की 2014 की पहली फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है। फरवरी 2020 में हीरोपंती 2 के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे, जिन्होंने टाइगर की आखिरी रिलीज बागी 3 का निर्देशन भी किया था। फिल्म इस साल 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। हालांकि इसकी डेट पहले 16 जुलाई थी, लेकिन शूटिंग को देखते हुए डेट को आगे सरका दिया गया है। पहले मूवी KGF 2 की टक्कर में थी, लेकिन समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अब ये 3 दिसंबर को रिलीज की जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या टाइगर एक्शन फैंस को? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में जो बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन मूवी हीरोपंती 2 पर। हीरोपंती 2 एक अपकमिंग मूवी है और फैंस को इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार है।
क्योंकि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं, जिन्होंने जब से बॉलीवुड में अपना करियर की शुरुआत की है उन्हें फैन से बेतहाशा प्यार मिला है और ऐसे किसी न्यू एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा फैन बेस बना पाना वो भी सिर्फ 7 साल में कोई आसान बात नहीं है। पर टाइगर तो असली टाइगर की तरह दहाड़ने में लगे हैं। उनका स्टारडम आज के टाइम में कई पुराने बॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। टाइगर के पहले सिर्फ ऋतिक रोशन ही इकलौते एक्टर थे जो अच्छी डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग और अच्छी फिजिक के लिए फेमस थे। पर अब टाइगर आ चुके हैं और इससे ऋतिक को काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिला है। वो इसे काफ़ी एंजॉय भी करते हैं और कई बार ये दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अलग अलग चैलेंजेस में टैग भी करते हैं, जिसको दर्शक काफ़ी एंजॉय करते हैं। इनकी सिमिलैरिटीज़ के कारण टाइगर को अब बॉलीवुड में हर चीज़ में ऋतिक रोशन से कंपेयर किया जाने लगा है। पर टाइगर का ये कहना है कि वो ऋतिक सर को अपना आइडल मानते हैं और एक स्टूडेंट टीचर की बराबरी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने ऋतिक से काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो उनसे हेल्प लेंगे और बिल्कुल नहीं शर्माएंगे उनसे कोई भी मदद मांगने में। टाइगर भले ही इंडस्ट्री के एक्ट्रेस से काफ़ी शाय हों, लेकिन अपने फैन से वो अक्सर सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन में बॉलीवुड में अपना 7 साल पूरे होने पर अपने फैंस को शुक्रिया जताया। उन्होंने अपने फैंस को ये ट्वीट करके कहा कि आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस एंड यू आर माय रियल मोटिवेशन ऑफ माय लाइफ। और इस प्यार के बदले उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में अपनी अपकमिंग फिल्म को लिस्ट दर्शकों को बताते हुए कहा और उस फिल्म के लिस्ट में शामिल है हीरोपंती 2 के साथ साथ बागी 4, रैम्बो और गणपत जैसी बड़ी फिल्मों का नाम। और बात की जाए हीरोपंती 2 की तो ये मूवी के सेट से ये खबर आ रही है कि टाइगर अपना फर्स्ट शेड्यूल सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि टाइगर अपनी फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी कर लेंगे और ये फिल्म ऑडियंस के सामने काफ़ी भी जल्दी आ सकती है। चलिए आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर की अपकमिंग मूवी के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस पूरे सारे राज क्या कहा टाइगर ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या हीरोपंती 2 हीरोपंती से अच्छे नए रिकॉर्ड बना पाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड ग्रैड स्टूडियोज में। आज बात करेंगे टाइगर के उस चैट सेशन की जिसमें टाइगर ने सारे राज खोल दिए। वैसे तो कोरोना आउटब्रेक के चलते मुंबई के फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दिया गया, लेकिन सभी कलाकार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए हैं। टीवी हो या फिर बॉलीवुड, हर इंडस्ट्री का कलाकार लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को कोरोना वायरस से बचने के लिए आगाह कर रहा है और समय समय पर ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर वे आइसोलेशन के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस बीच टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के कई सवालों का जवाब भी दिया और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया कि इस फिल्म में तारा सुतारिया के साथ कृति भी प्रोजेक्ट में साथ देंगी, क्योंकि यह फिल्म का पहला पार्ट हमें शुरू किया था और दूसरा पार्ट भी हम ही लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए ये लोग एक साथ हैं। ये खुशी की बात है कि तारा भी अब की बार हमें ज्वाइन कर रही है। बिना किसी संकोच के ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि इस चैट सेशन में फैंस ने इस दौरान बागी 3 में शानदार परफॉर्मेंस के लिए टाइगर श्रॉफ की खूब तारीफ की और लगे हाथ लोगों ने उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी की हीरोपंती 2 और बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर भी टाइगर से ढेरों सवाल भी कर दिए। टाइगर श्रॉफ ने जानकारी दी है कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट साजिद नाडियावाला के प्रोजेक्शन में बनने वाला है। हीरोपंती 2 रेनबो शामिल है। जी हाँ, हीरोपंती 2 आने वाली है और ये टाइगर श्रॉफ ने कंफर्म कर दिया है। फैन से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा कि वह हीरोपंती 2 के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड है, जो कि रूस और मॉस्को में होने वाला है। जी हाँ, बता दें कि टाइगर श्रॉफ की
इस अपकमिंग फिल्म का निर्देशन अहमद खान भी कर रहे हैं। जी हाँ, अहमद खान के साथ टाइगर बागी 2 और बागी 3 में काम कर चुके हैं। अहमद और टाइगर की जोड़ी ने अब तक खूब धमाल मचाया है। ऐसे में साफ है कि हीरोपंती 2 भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाएगी। बता दें कि ये फिल्म साल 2014 में आई थी। फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है और इस फिल्म में टाइगर 2 अपोजिट प्रीति सनन दिखेंगी और हीरोपंती 2 तारा सुतारिया और कृति और टाइगर तीनों साथ नजर आएंगे। लेकिन क्या हीरोपंती 2 हीरोपंती जैसे नाम कमा पाएगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा। कपिल शर्मा का शो छोड़ने पर क्या कहा उन्होंने, किससे की है उन्होंने शादी? दोस्तों, मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को कौन नहीं जानता। कपिल शर्मा के शो से नाम कमाने वाली ये एक्ट्रेस और कॉमेडियन आज इंडस्ट्री में अपनी भी एक पहचान रखती हैं। कभी कंगना रनौत तो कभी लता मंगेशकर जैसे लेजेंड की मिमिक्री करने वाली सुगंधा कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभा चुकी हैं। तो दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही अनजानी और खास बातों पर। और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों, उनका जन्म 23 मई 1988 में पंजाब के जलंधर में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर रहा है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि सुगंधा एक कमाल की अदाकारा होने के साथ साथ एक लाजवाब सिंगर भी हैं। और हो भी क्यों ना, उनका परिवार इंदौर घराने से ताल्लुक रखता है। उनके दादाजी पंडित शंकर लाल मिश्रा एक प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर हैं, जो उस्ताद आमिर खान साहब के शिष्य थे। सुगंधा अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, जो सिंगिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की है। मजे की बात तो ये है कि इसी जगह से कपिल शर्मा ने भी अपनी पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद सुगंधा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक आरजे के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया और कई भजन, जिंगल और गाने गाए। ये सब उन्होंने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री प्ले और शॉर्ट फिल्म्स के लिए गाए थे। यहाँ तक कि दोस्तों कि वो सारे गामा पास सिंगिंग सुपरस्टार्स में बतौर एक कंटेस्टेंट भी नजर आई थी। वो शो में चौथे नंबर पर रही थी। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और फाइनलिस्ट भी बनी थी। इसके अलावा वो कई शोज भी होस्ट कर चुकी हैं और श्री और कमाल धमाल माला माल जैसी फिल्मों में अपनी आवाज भी दे चुकी हैं। वहीं साल 2014 में आई टाइगर श्रॉफ पर कृति सैनन स्टार फिल्म हीरोपंती से उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। मशहूर द कपिल शर्मा शो में सुगंधा टीचर विद्यावती का किरदार निभाती हैं। जब कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच विवाद हुआ था, तब उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस विवाद से शो का फॉर्मेट बदल दिया गया है। बात अगर उनकी निजी जिंदगी की करें तो हाल ही में सुगंधा एक्टर कॉमेडियन संकेत भोसले के साथ शादी के बंधन में बनी हैं, जिसके बाद से लगातार वो लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई हैं। दोस्तों, सुगंधा और संकेत काफी साल से बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके अफेयर की खबरों की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब इन सब अफवाहों पर दोनों ने विराम लगा दिया है और एक दूसरे के हो गए हैं। बहरहाल बात वापस से सुगंधा के काम की करते हुए है, और आपको बताते हैं कि उनके एक्टिंग डेब्यू वाली फिल्म हीरोपंती के सीक्वल पर काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हीरोपंती 2 का निर्माण हो रहा है, जिसे अहमद खान निर्देशित करेंगे। फिल्म में टाइगर श्रॉफ लीड एक्टर के रूप में होंगे, जबकि उनके साथ एक्ट्रेस तारा सुतारिया होंगी। हमने आपको बताया था कि फिल्म में VFX का भारी इस्तेमाल होने वाला है। अब जानकारी के लिए बता दें कि इसका काम विशेष तौर पर विदेश की खास और स्पेशलाइज्ड टीम को इसका काम सौंपा जाएगा। वहीं बात अगर सुगंधा के किरदार की हो तो पहली फिल्म में उन्होंने कृति सैनन के किरदार की दोस्त का किरदार निभाया था, जबकि वो एक बार फिल्म का हिस्सा होने वाली है और इस बार उनका किरदार पहले से भी छोटा होगा। जी हाँ, वो फिल्म में होंगी परंतु सीमित समय के लिए। तो दोस्तों, फिल्म और इसी कास्ट से जुड़ी कई और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आने वाले दिनों में ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरोपंती का सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ, इस सीक्वल में एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ ने खुद इस बारे में जानकारी दी और ये भी कहा कि हीरोपंती हमेशा से ही उनके लिए खास फिल्म रहेगी, क्योंकि हीरोपंती ही उनकी बॉलीवुड डेब्यू पिक्चर थी और इसीलिए वो इसके सीक्वल में भी अपनी पूरी जान फूंकना चाहते हैं।
टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर ही फिल्म के 2 शेड्यूल की शूटिंग खत्म ही कर ली है और आने वाले दिनों में फिल्म के बाकी पार्ट्स की शूटिंग होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसकी शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। फिलहाल गुड न्यूज ये आ रही है कि जल्द ही हीरोपंती 2 के शूटिंग की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस इस खबर के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसका रीजन ये है कि वो तमाम फैंस यही चाहते हैं कि साल के एंड तक हीरोपंती 2 को रिलीज किया जाए, ताकि एक बार फिर से वो टाइगर श्रॉफ के दमदार एक्शन का मजा ले सके। और हम सब तो जानते ही हैं टाइगर श्रॉफ अपने फैंस से कितना प्यार करते हैं, वो भला उनकी डिमांड को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हीरोपंती 2 की शूटिंग जल्द ही खत्म हो और आने वाले दिनों में इसको थिएटर या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। अब बात करते हैं हीरोपंती 2 के सेट से लीक हुई कुछ वायरल पिक्चर्स की। दोस्तों, जब से ये पिक्चर सामने आई है, टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस तो मानो खुशी से झूम उठे हैं और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल इन तमाम पिक्चर्स में टाइगर श्रॉफ एक कूल ब्लैक सूट पहने नजर आ रहे हैं और इसी वजह से उनका कंपैरिजन हॉलीवुड के एक एक्टर के साथ किया जा रहा है। टाइगर श्रॉफ का कंपैरिजन केनू रीव्स के साथ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, केनू रीव्स ने भी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉन विक में ऐसा ही ब्लैक सूट डाला था। वो इस पिक्चर में कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका में दिखे थे और इसी वजह से ऐसे उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद टाइगर श्रॉफ भी हीरोपंती 2 में ऐसा ही कुछ किरदार निभा सकते हैं। वेल, क्या होगा हीरोपंती 2 का पूरा स्टोरी लाइन, ये तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हीरोपंती 2 को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। ऑस्कर विनर सिंगर ने फाइनली हीरोपंती 2 के कास्ट एंड क्रू को ज्वाइन कर लिया है। हम बात कर रहे हैं AR रहमान की। जी हाँ, हीरोपंती 2 के तमाम गाने AR रहमान कंपोज करते हुए दिख सकते हैं। वेल, अगर ऐसा होता है तो जायज तौर पर फिल्म तो हिट होगी ही, साथ ही इसके तमाम गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए जाएंगे, क्योंकि AR रहमान के गाने होते ही इतने सुरीले और इतने बेहतरीन हैं। आप सभी हीरोपंती 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन। कराटे के बाद अब इस फॉर्म को कट दिखेंगे टाइगर श्रॉफ अब हमें। तो दोस्तों, और कौन से हॉलीवुड एक्टर के सबसे बड़े फैन हैं जूनियर श्रॉफ? हीरोपंती 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही मूवी का इंतजार शुरू हो गया था और खबरों की माने तो टाइगर की हीरोपंती 2 एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्शन फिल्म की रीमेक हो सकती है, क्योंकि हीरोपंती 2 के जो 2 पोस्टर्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं, उन दोनों ही पोस्टर्स ने फैंस को हॉलीवुड की एक सुपरहिट एक्शन मूवी जॉन विक की याद दिला दी है। दोस्तों बता दूं कि जॉन विक एक 3 फिल्म्स वाली फ्रेंचाइज है, जिसके तीनों के तीनों पार्ट्स फैंस को बेहद पसंद आए हैं और फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस भी किया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड एक्टर कीनो रीव्स से बहुत बड़े फैन हैं और वो उन्हें फॉलो भी करते हैं और उन्हीं की तरह स्टंट्स करना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कीनो रीव्स उसी एक्टर का नाम है जो जॉन विक में हमें लीड में दिखे थे, बता दो दोस्तों। और जॉन विक की स्टोरी को ये एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट किलर की कहानी है, जिसका नाम जॉन विक होता है और जिसकी उसकी बीवी की मौत हो जाती है। दोस्तों, वो सिर्फ अपने एक डॉग के साथ अकेले घर में रहता है, पर फिर कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे वो काफी खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर में बदल जाता है। दोस्तों, इस मूवी के एक्शन सीन्स तो इतने खतरनाक थे कि इसे R रेटेड अनाउंस कर दिया गया था और इसमें काफी ज्यादा वायलेंस दिखाया गया था, पर इसकी स्टोरी और एक्शन सीन्स के कारण इन फैंस में फिल्म का बहुत ज्यादा क्रेज है और इसके हर पार्ट को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये मूवी आती है, इसको फैंस से बेतहाशा प्यार मिलता है और ये मूवी हमेशा से ही ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। ऐसे में अगर वाकई हीरोपंती जो जॉन विक की रीमेक है और अगर इससे अच्छे से बनाया गया तो इस फिल्म का भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट होना तय है। तो दोस्तों, इसके लिए मेकर्स और एक्टर काफी मेहनत भी कर रहे हैं। फिल्म के लिए टाइगर काफी दिनों से मॉडल कॉम्बैक की ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो रोल को अच्छी तरह से निभा पाए और स्टंट्स को अच्छे से कर पाए। अब बात की जाए दोस्तों जॉन विक की कहानी की, तो किस हद तक हीरोपंती 2 में उसे यूज किया जाएगा, तो इस मूवी के कुछ सीन्स और स्टोरी लाइन्स कॉपी हो सकते हैं, पर पूरी मूवी कॉपी नहीं होगी। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में टाइगर हमें अलग ही अवतार में दिखेंगे और ये अवतार देखने के लिए उनके फैंस काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। और ये मूवी के लिए टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा है, दिस वन इज सो स्पेशल फॉर मी, ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी कैरिंग फॉरवर्ड अनदर फ्रेंचाइज विद माय मेंटर
साजिद सरन और उन्होंने अपने फैंस का भी उन्हें उतना प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों इससे समझा जा सकता है कि ये फिल्म उनके लिए कितनी ज्यादा खास है और वो इसे सक्सेस बनाने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। तो टाइगर ने दोस्तों इस फिल्म कौन सी एक्ट्रेस को धूम 4 के एक लीडिंग रोल में कास्ट किया जा चुका है और क्या वो इस फिल्म के लिए रहेंगी फिट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो दोस्तों अभी काफी सारे एक्साइटिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे काफी हाई बजट फिल्म्स हैं। करण जौहर ने अभी अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कास्टिंग अनाउंस की है। संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल की कास्टिंग भी अनाउंस की जा चुकी है। नाग अश्विन की 2022 में रिलीज होने के लिए स्केड्यूल्ड एक साइंस फिक्शन फिल्म की कास्टिंग भी अनाउंस की गई है। रोहित शेट्टी की सर्कस, अपर्णा सेन की द रेपिस्ट, आनंद एल राय की अतरंगी रे और गुडलक जेरी, द इंटर्न, राम सेतु और डार्लिंग्स भी कुछ और अपकमिंग अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहीं कई बिग फिल्म्स ऐसी भी हैं जिनकी कास्टिंग की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जैसे कि पठान, टाइगर 3 और अश्वत्थामा द इमॉर्टल। और कुछ ऐसे हैं जिनकी कास्टिंग के लिए मेकर्स खुद भी अभी दुविधा में हैं, जैसे कि धूम 4। अभी एक रिलायबल सोर्स से पता चला है कि धूम 4 के लिए एक टॉप एक्ट्रेस को ऑफर मिल चुका है। तो इस एक्ट्रेस का नाम है, चलिए अब आप खुद ही गेस कर चुके होंगे, जी हाँ, हीरोपंती से डेब्यू करने वाली कृति सेनन। कृति सेनन अभी भी एक मूवी साइनिंग स्प्री में है। आलिया भट्ट के बाद अगर कोई यंग जनरेशन की एक्ट्रेस है जिसको कई सारे मेकर्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो वो है कृति सेनन। कृति सेनन के पास अभी हाउसफुल 4 और लुका छुपी जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद सोलो लीड फिल्म मिमी, प्रभास स्टारर आदि पुरुष, अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे, टाइगर श्रॉफ स्टारर गणपत, वरुण धवन स्टारर भेड़िया, अनुराग कश्यप की तरन तिनो फिल्म किल बिल का हिंदी रीमेक, विकी कौशल स्टारर रहना है तेरे दिल में पार्ट 2 और हम दो हमारे दो जैसी फिल्म्स हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि उन्हें लाल सिंह चड्ढा के लिए ऑडिशन करने के लिए भी बुलाया गया था और क्रेश 4 में भी उनके स्टार होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब पता चला है कि कृति में कुछ पोटेंशियल देखने के बाद अभी यशराज फिल्म्स ने उन्हें धूम 4 के लीड कास्ट का रोल ऑफर किया है। ये कृति की पहली फिल्म होगी यशराज फिल्म्स बैनर के अंडर और अपने जनरेशन में से कृति ही एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनमें ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ के बाद वो ग्लैमर कोशेंट और एथलेटिक स्किल्स ऑडियंस स्पॉट कर सकती है। साथ ही साथ कृति फिल्म गणपत में भी एक्शन करती नजर आएंगी और किल बिल में भी धूम धड़ाके वाला एक्शन कर सकती है, जिस वजह से यशराज फिल्म्स ने उन्हें धूम मचाने का ऑफर दिया है। तो चलिए अब देखना ये होगा कि आखिर कृति इस रोल में कितनी फिट बैठ पाती है। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में हमें। क्या है हीरोपंती 2 का मुन्ना माइकल कनेक्शन? फिल्म में किस्सेदारी की एंट्री से फैंस बिल्कुल नजर आ रहे हैं सुपर खुश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी हीरोपंती 2 पे। हीरोपंती 2 एक ऐसी मूवी है जो फैंस को यकीनन पसंद आने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ होने वाला है जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी में होना चाहिए। फिल्म के क्रेज का आलम यह है कि इसे हॉलीवुड की मोस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी जॉन विक से कंपेयर किया जा रहा है। जॉन विक में कियानो रीव्स हमें लीड में दिखे थे और ये मूवी आज भी फैंस को काफी पसंद है, क्योंकि इस मूवी के एक्शन सीन्स काफी पावरफुल और आई कैचिंग थे। और हीरोपंती 2 में भी हमें ऐसे ही कुछ बड़े और खतरनाक एक्शन स्टंट्स देखने को मिलने वाले हैं। टाइगर ने तो ओपनली अनाउंसमेंट भी कर दी है कि ये मूवी उनकी आज तक की सबसे हाई बजट और सबसे ज्यादा एक्शन सीन्स वाली मूवी होने वाली है। और ये सब सच भी है, क्योंकि मूवी का बजट 250 करोड़ रुपए रखा गया है और खबरों की माने तो फिल्म में हमें एक काफी शानदार कार चेजिंग भी देखने को मिल सकती है। शायद इतनी एक्साइटमेंट काफी नहीं थी कि मेकर्स ने फिल्म में वो नाम जोड़ दिया है जो मौत को छूकर तक वापस आ सकता है, किक विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। नवाजुद्दीन को इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से गिना जाता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार और कैसे मिली थी उनको उनकी डेब्यू मूवी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 में हुआ था। नवाज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे और इसी सैलरी से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। उसके बाद वो मुंबई आए और कई सारी फिल्मों के ऑडिशंस दिए। आखिरकार नवाज को आमिर खान स्टारर सरफरोश में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ और वही फिल्म बन गई उनकी डेब्यू मूवी।
उसके बाद नवाज को और कुछ फिल्मों में भी मौका मिला, जैसे कि शूल, मुन्ना भाई एमबीबीएस और जंगल, पर इन सभी मूवीज में उनका रोल काफी छोटा था। फिर उन्हें मिली वो मूवी जिसने उनके करियर को बिल्कुल बदल के रख दिया, अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म में नवाज का कैरेक्टर एक गैंगस्टर फैजल खान का था, जिस किरदार को फैंस आज तक नहीं भुला पाए हैं। इसके बाद नवाज को सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का भी मौका मिला, और ऐसे ही मेहनत करते करते वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड विलेन में से एक बन गए हैं, और फिल्मों में उन्हें लेने के लिए डायरेक्टर्स की अब लाइन लगी होती। बात की जाए नवाज के हीरोपंती 2 में रोल के बारे में, तो इस फिल्म में उन्हें एज अ विलेन कास्ट किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी वो टाइगर के साथ उनकी फिल्म मुन्ना माइकल में काम कर चुके हैं, और अब फिर से एक बार नवाज टाइगर की टक्कर हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों को फिर से एक बार साथ में देखने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इसे। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में दिशा और टाइगर का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने रेफरेंस ट्वीट में इनकी पॉपुलर फिल्मों के नाम का सहारा लेकर मजेदार ढंग से जानकारी देते हुए लिखा, मुंबई पुलिस ने दूसरे लोगों को भी कोरोना महामारी के बीच बिना मतलब की हीरोपंती से बचने के लिए आगाह करने वाली चेतावनी भी दे दी। अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा, वायरस के खिलाफ चल रहे वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग की तरह बांद्रा की गलियों में घूमना दो एक्टर को भारी पड़ा। इन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 188 और 34 आईपीसी की धारा में मामला दर्ज किया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना मतलब की हीरोपंती से बचें, जिससे कोविड-19 में आपकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा पैदा ना हो। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे इन एक्टर्स का नाम नहीं लिया, बल्कि इनकी फिल्मों के नाम से ही इनके बारे में जानकारी देते हुए कटाक्ष किया है। मंगलवार शाम को दिशा और टाइगर जिम से लौटने के बाद अपनी कार में बांद्रा बैंड स्टैंड के चक्कर लगा रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान टाइगर कार के पीछे बैठे थे, जबकि दिशा पाटनी आगे बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। हीरोपंती 2 में टाइगर काफी स्टंट्स करते दिखने वाले हैं, और वैसे भी ये अपनी हर फिल्म में स्टंट्स करते ही हैं, तो इसलिए ही जब वे दिशा संग पकड़े गए तो मुंबई पुलिस ने उन्हें हीरोपंती नहीं करने की दे दी सलाह। वे इंटरनेट पर ट्रोल भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टाइगर ने इसको रियल लाइफ स्टंट जैसा सोचकर किया है और उन्हें नियमों का उल्लंघन करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर खुद को सुपर हीरो समझने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या टाइगर ने ऐसा जानबूझकर किया होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक फोन करना। क्या KGF 2 से डरना था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ 3 अप्रैल से ही मुंबई में हीरोपंती 2 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन दोबारा लॉकडाउन होने की वजह से इसकी शूटिंग रोक दी गई। इन दिनों साजिद नडियाडवाला की अगली फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बागी 2 और बागी 3 के बाद हीरोपंती 2 टाइगर और अहमद खान की एक साथ तीसरी फिल्म है। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 का पहला शेड्यूल मुंबई में शूट किया जाएगा, जिसके बाद मेकर्स कोविड की स्थिति के आधार पर अन्य शूटिंग लोकेशंस पर निर्णय लेंगे। टाइगर एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ शूट शुरू करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। टाइगर की फिल्म की शूटिंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद लीडिंग लेडी तारा सुतारिया टीम में शामिल होंगी। हाल ही में निर्माता साजिद नडियाडवाला ने निर्देशक अहमद खान की हीरोपंती 2 के लिए एकेडमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान और प्रशंसित गीतकार महबूब को भी टीम में शामिल किया है। AR रहमान, गीतकार महबूब और अहमद खान की तिगड़ी फिल्म रंगीला के बाद पहली बार साथ में आ रही है। इन दोनों ने 25 साल पहले पहली बार हाथ मिलाया था। दिलचस्प बात यह है कि रहमान हीरोपंती 2 के लिए बैकग्राउंड स्कोर की भी रचना कर रहे हैं, और रहमान द्वारा फिल्म में 5 गाने कंपोज करने की उम्मीद है।
हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल फरवरी में की गई थी और इस वर्ष टाइगर के जन्मदिन पर निर्माताओं ने आगामी एक्शन रिलीज की तारीख का खुलासा करते हुए कहा है कि फिल्म को 3 दिसंबर 2021 के दिन रिलीज किया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि हीरोपंती के मेकर्स KGF 2 और इनकी डेट के एक होने की वजह से डर गए थे और यही कारण था कि रिलीज डेट को आगे करने का काम। क्या होगा हीरोपंती 2 में नवाजुद्दीन का डबल रोल? क्या समानता है हीरोपंती 2 और धूम 3 की फ्रेंचाइजी में? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम फिर से बात करेंगे उस एक्टर की जिसने अपने एक्शन और बिंदास लुक से ना सिर्फ लड़कियां बल्कि हर किसी के दिल में खास जगह बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दूसरे ऋतिक रोशन यानी टाइगर श्रॉफ की। बता दें कि टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल की घोषणा हो चुकी है। साजिद के बैनर तले बनने वाली हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर के साथ तारा सुतारिया की जोड़ी दिखने वाली है। वहीं अब फिल्म से जुड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी आ रहा है। बता दें कि नवाज फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे जो टाइगर से टक्कर लेते दिखेंगे। सीधी बात करें तो नवाजुद्दीन का फिल्म हीरोपंती 2 में डबल रोल होने वाला है। ये रोल कुछ ऐसा होगा जैसा कि धूम में आमिर खान का रोल था जिसमें वो दो भाई थे जिसमें एक हीरो था और एक विलन। लेकिन हीरोपंती 2 में टाइगर का होना ठीक वैसे ही है जैसे भेलपूरी के साथ पापड़ी फ्री और इसका मजा भी वैसे ही आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हीरोपंती 2 के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है, फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन खत्म किया जाएगा फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। साजिद ने फिल्म के पूरे कास्ट एंड क्रू के कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली है। पंती 2 के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक AR रहमान को सौंपा गया। दिलचस्प बात ये है कि रहमान हीरोपंती सीक्वल के लिए बैकग्राउंड स्कोर की भी रचना कर रहे हैं और रहमान द्वारा फिल्म में 5 गाने कंपोज करने की उम्मीद भी है। बागी 2 और बागी 3 के बाद हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ और निर्देशक अहमद खान की एक साथ तीसरी फिल्म है। वही तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। आपको इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? करके धमाका करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और क्या मैसेज दिया टाइगर ने अपने फैंस को। हीरोपंती 2 एक अपकमिंग मूवी है और फैंस को इसका काफी दिनों से इंतजार है क्योंकि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं जिन्होंने जब से बॉलीवुड में अपना करियर की शुरुआत की है उन्हें फैंस से बेतहाशा प्यार मिला है और ऐसे किसी न्यू एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा फैन बेस बना पाना वो भी सिर्फ 7 साल में कोई आसान बात नहीं है। पर टाइगर तो असली टाइगर की तरह दहाड़ने में लगे हैं। उनका स्टारडम आज के टाइम में कई पुराने बॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। टाइगर के पहले सिर्फ ऋतिक रोशन ही एक लौते एक्टर थे जो अच्छी डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग और अच्छी फिजिक के लिए फेमस थे, पर अब टाइगर आ चुके हैं और इससे ऋतिक को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन मिला है। वो इसे काफी इंजॉय भी करते हैं और कई बार ये दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अलग अलग चैलेंजेस में टैग भी करते हैं जिसको दर्शक काफी एंजॉय करते हैं। इनकी सिमिलैरिटीज के कारण टाइगर को अब बॉलीवुड में हर चीज में ऋतिक रोशन से कंपेयर किया जाने लगा है। पर टाइगर का ये कहना है कि वो ऋतिक सर को अपना आइडल मानते हैं और एक स्टूडेंट टीचर की बराबरी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने ऋतिक से काफी कुछ सीखा है और आगे भी जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी वो उनसे हेल्प लेंगे और बिल्कुल नहीं शर्माएंगे उनसे कोई भी मदद मांगने में। टाइगर भले ही इंडस्ट्री के एक्ट्रेस से काफी शाय हूँ लेकिन अपने फैन से वो अक्सर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन में बॉलीवुड में अपना 7 साल पूरे होने पर अपने फैंस को शुक्रिया जताया। उन्होंने अपने फैंस को ये ट्वीट करके कहा कि आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस एंड यू आर माई रियल मोटिवेशन ऑफ माई लाइफ। और इस प्यार के बदले उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में अपनी अपकमिंग फिल्म को लिस्ट दर्शकों को बताते हुए कहा और उस फिल्म के लिस्ट में शामिल है हीरोपंती 2 के साथ साथ बागी 4, रैम्बो और गणपत जैसी बड़ी फिल्मों का नाम। और बात की जाए हीरोपंती 2 की तो ये मूवी के सेट से ये खबर आ रही है कि टाइगर अपना फर्स्ट शेड्यूल सिर्फ 6 दिनों में कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि टाइगर अपनी फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी कर लेंगे और ये फिल्म ऑडियंस के सामने काफी जल्दी आ सकती है। चलिए आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड
स्टूडियोज में सोनिका जैन। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी और इसीलिए ही हीरोपंती 2 उनके फैंस के लिए एक बेहद खास फिल्म होने वाली है। और कब से इस फिल्म का इंतजार है, टाइगर की डेब्यू फिल्म थी और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। कृति सेनन उनके साथ नजर आई थी लेकिन इस बार कृति को रिप्लेस कर दिया है तारा सुतारिया ने। जी हाँ, तारा और टाइगर इसमें नजर आएंगे, इससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है जिसमें भरपूर एक्शन हो, और जहां टाइगर होते हैं वहां एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में मज़ेदार डायलॉग्स, कुछ गाने और कई हीरोइक एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। फिल्म की खास बात होगी इसकी कॉमिक सीन्स, और कॉमिक सीन्स इस फिल्म में ह्यूमर पैदा करेंगे, यानी कि एक्शन कॉमेडी का ज़बरदस्त तड़का आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वही आपको बता दें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी एंट्री हो चुकी इस फिल्म में। इनका नाम है वैभव चौधरी और वैभव सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, दर्शकों का खूब प्यार मिला है उनके फिल्म में होने से। नेपोटिज्म विवाद के बीच चल रहे नफरत से फिल्म को छुटकारा भी मिल सकता है, क्योंकि वैभव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंडस्ट्री में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो एकदम कॉमन मैन जैसे हैं। और उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, ना कि किसी के बलबूते। ऐसे में लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी और लोग अब ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिनको अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में लिया जाता है। तो वैभव की एंट्री से भी हीरोपंती 2 को काफ़ी फायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, हीरोपंती 2 का ऑलरेडी एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ज़्यादा स्टनिंग नज़र आए थे, लेकिन इसे एक हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर जो था वो कॉपी पोस्टर बताया गया। कहा गया कि यह हिटमैन का पोस्टर है जो कि वाकई कॉपी पोस्टर था, लेकिन हो सकता है कि ये भी मेकर्स की स्ट्रेटेजी रही हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी जहां होती है वहां फिल्म का नाम उछली जाता है और फिल्म आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेकर्स की कोशिश भी रही होगी। तो आपको क्या लगता है, वह एंट्री से कितना फर्क पड़ेगा फिल्म में, कितना इंतजार है? हीरो जगह बनाने में हो पाए टाइगर कामयाब, फिल्म हीरोपंती के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर श्रॉफ को इंडस्ट्री में आए 7 साल हो गए हैं। वाकई में इन 7 सालों में वे काफी आगे बढ़ गए हैं। अपने अपार लोकप्रियता के साथ टाइगर ने न केवल बच्चों के बीच बल्कि पारिवारिक ऑडियंस के बीच भी खुद को स्थापित करने में सफल रहे हैं, जो टाइगर को एक पैन इंडिया स्टार बना देता है। आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट पर विश्वास उसके निर्देशक, लेखक आदि जैसे अन्य लोगों के साथ बनता है, लेकिन ये सच है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में टाइगर शामिल हैं तो न केवल एक्शन बल्कि अपने नॉन एक्शन शैली के साथ अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, तो प्रोजेक्ट की धमाकेदार ओपनिंग होना स्वाभाविक है। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 में रिलीज हुई टाइगर स्टारर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और अजय देवगन की दे दे प्यार दे दे की टक्कर के साथ अजय देवगन जैसे दिग्गज एक्टर के साथ की गई तुलना के बावजूद टाइगर ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से राज किया हुआ था। टाइगर सबसे कम उम्र के ऐसे एक्टर हैं जो अकेले अपने दम पर प्रोजेक्ट का भार उठाते हैं। वरुण धवन, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर जैसे अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में सबसे अधिक कलेक्शन के साथ वे खुद को साबित भी कर चुके हैं। विनम्र स्वभाव और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्तित्व के साथ टाइगर ने स्टार होने के नाते कभी भी रुबाव नहीं दिखाया है। अपार सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वे आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। उनसे मिलकर बातें करने के बाद वे आपको कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि वे अपने जमाने के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। टाइगर ने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा हुआ है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए अभिनेता ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ खुद को साबित किया है। हालांकि इस बात से भी परे नहीं हटा जा सकता है कि हीरोपंती में उनकी एक्टिंग को लेकर जितनी बातें बनी थी तब से लेकर बागी 3 तक उन्होंने हमेशा खुद को सिर्फ बेहतर ही बनाया है। तभी 0 एक्सप्रेशन से लेकर आज वे काफी बेहतर एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ, एक्शन के मामले में वे किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि 7 साल में टाइगर ने एक मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के 7 साल पूरे होने के साथ ये कहना उचित होगा कि 7 साल की अवधि में लाखों दिलों में जगह बनाना, अनगिनत प्रशंसक, धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टाइगर निश्चित रूप से एक ऐसे एक्टर हैं जो पहले से भी सभी के दिलों पर शासन कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्टैंडम और स्टारडम के साथ ऐसा लग रहा है कि टाइगर अब कछुआ नहीं रहे, बल्कि हर जगह अपनी सफलता की दहाड़ लगा रहे हैं। किसी भी एक्टर के लिए उसकी पहली फिल्म
फिल्म बेशक ही बहुत खास होती है और टाइगर ने तो उस समय बॉलीवुड में कदम रखा जब कई नए एक्टर्स पहले से ही अपना नाम बना चुके थे। हालांकि उनकी फिल्म हीरोपंती एक सक्सेस साबित हुई जिसने टाइगर के कदम बॉलीवुड में जमा दिए। आजकल फिल्म चर्चा में है अपने अगले सीक्वल हीरोपंती 2 को लेकर। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टाइगर और तारा सुतारिया की जोड़ी होगी। आपको बता दें कि फिल्म में टाइगर का दिल तारा पर आ जाएगा जबकि तारा उन्हें शुरू में पसंद नहीं करती। इसके बाद शुरू होगा टाइगर का मनाना और उन्हें प्यार करने पर मजबूर कर देना। हालांकि इस बीच फिल्म में विलेन बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री होगी जिनसे टाइगर की कोई पुरानी दुश्मनी है। उन दोनों को स्क्रीन पर साथ में देखना और वो भी एक दूसरे के आमने सामने ये बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो अपने विचार हमें कमेंट्स में अपनी और टाइगर श्रॉफ पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल मुंबई में लगे लॉकडाउन के बीच ये दोनों घूमते हुए पाए गए थे। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से पता चला है कि जब पुलिस ने इनकी कार को बांद्रा में रोका तो बाहर घूमने का इन लोगों के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था। इस पर मुंबई पुलिस ने दिशा और टाइगर के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन करने के बारे में बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस की गैर जिम्मेदार हरकत पर मजेदार तरीके से व्यंग किया। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में दिशा और टाइगर का नाम नहीं लिया लेकिन अपने रेफरेंस ट्वीट में इनकी पॉपुलर फिल्मों के नाम का सहारा लेकर मजेदार ढंग से जानकारी देते हुए लिखा, मुंबई पुलिस ने दूसरे लोगों को भी कोरोना महामारी के बीच बिना मतलब की हीरोपंती से बचने के लिए आगाह करने वाली चेतावनी भी दे दी। अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा, वायरस के खिलाफ चल रहे वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग की तरह बांद्रा की गलियों में घूमना दो एक्टर को भारी पड़ा। इन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 188 और 34 IPC की धारा में मामला दर्ज किया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना मतलब की हीरोपंती से बचें, जिससे COVID-19 में आपकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा पैदा ना हो। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे इन एक्टर्स का नाम नहीं लिया बल्कि इनकी फिल्मों के नाम से ही इनके बारे में जानकारी देते हुए कटाक्ष किया है। मंगलवार शाम को दिशा और टाइगर जिम से लौटने के बाद अपनी कार में बांद्रा बैंड स्टैंड के चक्कर लगा रहे थे तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान टाइगर कार के पीछे बैठे थे जबकि दिशा पाटनी आगे बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। हीरोपंती 2 में टाइगर काफी स्टंट्स करते दिखने वाले हैं और वैसे भी अपनी हर फिल्म में स्टंट्स करते ही हैं। तो इसलिए ही जब वे दिशा संग पकड़े गए तो मुंबई पुलिस ने उन्हें हीरोपंती नहीं करने की दे दी सलाह। वे इंटरनेट पर ट्रोल भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टाइगर ने इसको रियल लाइफ स्टंट जैसा सोचकर किया है और उन्हें नियमों का उल्लंघन करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर खुद को सुपर हीरो समझने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या टाइगर ने ऐसा जानबूझकर किया होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ टाइगर श्रॉफ ने हमने आपको सबसे पहले बताया था कि टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का एक सीक्वल हीरोपंती 2 बन रहा है जिसे इस बार सबीर खान नहीं बल्कि कोरियोग्राफर से निर्देशक बने अहमद खान निर्देशित करने वाले हैं। अब जब से मेकर्स और कास्ट ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है तब से फैंस को भी फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट पाने का इंतजार रहता है। गौरतलब है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उनकी को स्टार रही एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी मुख्य किरदार में होंगी जबकि बॉलीवुड के नए विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में नेगेटिव रोल में होंगे। फिल्म का निर्माण साजिद नडियादवाला के प्रोडक्शन हाउस नडियादवाला ग्रैंडसन के तहत किया जाएगा जबकि फिल्म के म्यूजिक कंपोजर का काम AR रहमान को दिया गया है। फिल्म की शूटिंग मार्च 2021 में शुरू हुई थी और मिड अप्रैल तक इसके पहले शेड्यूल को पूरा कर लिया गया था। हालांकि उसी बीच भारत में दोबारा लॉकडाउन लग गया जिससे एक बार फिर शूटिंग और प्रोडक्शन के काम को रोक दिया गया। अब घर बैठे बैठे लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को सोशल मीडिया पर फिल्म की कई बिहाइंड द सीन्स के शॉट्स पोस्ट कर उत्साह में डाल देते हैं। अगर बात फिल्म की कहानी की करें तो हमने आपको बताया था कि फिल्म में इस बार कई ज्यादा गुना एक्शन सीन्स और फाइटिंग होने वाली है जिसके लिए टाइगर लॉकडाउन के बीच घर में ही रहकर अपनी बॉडी और फिजिक पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो सख्त डाइट भी फॉलो कर रहे हैं
और बाकी लोगों की तरह कोई नई डिश या फैट वाला खाना नहीं खा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर घर के आराम में ही रहकर वो खुद को बेहतर बना सके तो उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। गौरतलब है कि फिल्म की क्रू इसके विलन नवाजुद्दीन और बाकी कास्ट के साथ जुलाई में इसके दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेगी जो कि रूस में होनी है। जी हाँ, फिल्म की कास्ट और क्रू जुलाई की शुरुआत में ही रूस के लिए रवाना होगी जहाँ इसके ओवर द टॉप एक्शन सीन्स की शूटिंग की जानी है। एक्शन सीन्स के अलावा फिल्म के एक खास गाने की शूटिंग भी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में की जाएगी। फिलहाल फिल्म की टीम वहाँ की लोकल टीम के साथ मिलकर बढ़िया लोकेशन की तलाश कर रही है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए मेकर्स ने खास तौर पर हॉलीवुड के एक नामी स्टंट डिजाइनर से बात की है जिन्हें फिल्म के लिए हीरोपंती 2 की जिसका सभी को इंतजार हो रहा है, अहमद खान द्वारा निर्देशित साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बन रही हीरोपंती 2 ने मार्च में मुंबई में एक छोटा सा शेड्यूल पूरा किया था और टीम अब रूस में अपना दूसरा शेड्यूल शुरू करने जा रही है। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत ये टीम अगले महीने मॉस्को में और उसके बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग करने वाली है। आपको बता दें, हाल ही में साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म के पूरे कास्ट एंड क्रू को कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली थी। पूरी टीम को वैक्सीनेशन दिला दिया गया है ताकि शूटिंग सुरक्षित माहौल में की जा सके। फिल्म के अगर हम रिलीज की बात करें तो 3 दिसंबर 2021 को इसे रिलीज किए जाने का प्लान है। थिएटर में ही ये रिलीज होगी क्योंकि बड़े पैमाने में बन रही है, थिएटर के एक्सपीरियंस से बन रही है, लेकिन अगर कोविड ठीक नहीं हुआ तो अगले साल भी ये पोस्टपोन हो सकती है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि टीम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख एक्शन दृश्यों और एक गाने की शूट के लिए वहां पर योजना बना रही है। टीम वहां की स्थानीय टीम के साथ परफेक्ट लोकेशन तलाश कर रही है। हम इस लार्जर देन लाइफ एक्शन दृश्यों को चित्रित करने के लिए कई स्टंट डिजाइनरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, मेकर्स का कहना है, और उनमें से एक मार्टिन इवानो है जो स्काई फॉल, द बॉर्न अल्टीमेटम और द कौन है सुपर मेसी में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इतना खतरनाक एक्शन होने वाला है, आप लगा सकते हैं इसका अनुमान। सूत्र आगे कहते हैं कि साजिद सर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीमों के रूस जाने से पहले सभी क्रू को टीका लगाया जाए। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म थी जहां नाडियाडवाला ने उन्हें दुनिया के सामने लॉन्च किया और अब हीरोपंती 2 के साथ हम सब एक्साइटेड है कि ये फिल्म कब आए और फिर से एक बार एक्शन और स्टाइलिश अवतार हमें देखने को मिलेगा टाइगर श्रॉफ का। हीरोपंती 2 के म्यूजिक स्कोर की बात करें तो एआर रहमान ने इसका पदभार सौंपा है। दिलचस्प बात यह है कि रहमान हीरोपंती सीक्वल के बैकग्राउंड स्कोर की रचना कर रहे हैं और रहमान द्वारा फिल्म के पूरे 5 गाने कंपोज किए जाने हैं। बागी 2 और बागी 3 के बाद हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ और निर्देशक अहमद खान की तीसरी फिल्म होने वाली है। वही तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखेंगे। इससे पहले दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं जो कि तारिया की डेब्यू फिल्म थी। खास बात यह है कि इससे पहले टाइगर और नवाज भी एक फिल्म में साथ दिख चुके हैं जिसका नाम है मुन्ना माइकल। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं हीरोपंती 2 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थी सैड एंडिंग। फिल्म का कौन सा सीन था सबसे अजीब? आज की हमारी इस वीडियो में हम दो ऐसी फिल्मों की बात करने वाले हैं जिन्हें अपनी अपनी भाषाओं में खूब पसंद किया गया था। एक फिल्म दूसरी का रीमेक थी और ऐसा रीमेक जिसने ओरिजिनल फिल्म के साथ पूरा न्याय किया हो। हम बात कर रहे हैं 2014 की हॉलीवुड फिल्म हीरोपंती और 2008 की साउथ फिल्म पारुगू की। गौरतलब है कि हिंदी फिल्म साउथ वाली फिल्म का रीमेक थी। वहीं हमने आपको इन दिनों फिल्मों के बीच की समानताओं और अंतर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था जहां हमने बेसिक चीजों की बात की थी, जबकि आज हम दोनों फिल्मों के सीन्स और उनके बीच के अंतरों के बारे में बात करेंगे। साउथ की पारगू में अल्लू अर्जुन जो मेन लीड थे उनका परिचय रात में गलियों के बीच होता है, जबकि हीरोपंती में फिल्म के नाम की तरह बॉलीवुड स्टाइल में जिम में होता है। हालांकि सही भी है, स्टंट्स दिखाने के लिए जिम से बेहतर क्या होता। पारगू में अल्लू फिल्म की हीरोइन यानी शीला कौर को पहली बार गांव में देखता है जब वो रेलवे स्टेशन की ओर भाग रही होती है और उसके प्यार में पड़ जाता है, जबकि हीरोपंती में वो सीन जहां पहली बार बबलू को डिम्पी से प्यार हुआ उसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। पारगू में लड़की को हद से ज्यादा शरीफ और भोला दिखाया गया है जिसे उसके परिवार ने बताया है कि प्यार करना गलत है,
किसी भी आदमी की आंखों में देखकर बात नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो ये सब मान भी लेती है और अलू को इग्नोर करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। जबकि इससे बिल्कुल ही अलग हीरोपंती में कृति किसी भी समय प्यार के खिलाफ नहीं दिखती। फिल्म का वो सीन काफी अजीबोगरीब था जहां टाइगर नहा रहे होते हैं और अचानक से कृति को गले लगा लेते हैं। कोई भी ऐसे ही किसी को क्यों गले लगाएगा। हालांकि अलू की फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं था। जिस तरह से हीरोपंती में रात में बाहर जाकर पार्टी करना दिखाया गया था, ऐसा कोई सीन भी परगू में नहीं था। बल्कि वहां आलू की माँ को दिखाया गया है और सभी लोग वहीं रहकर भागे हुए जोड़े को ढूंढते हैं। जैसा कि हीरोपंती में था कि वो हर समय भागे हुए जोड़े को मारने की बात कर रहे थे, जिसे हम ऑनर किलिंग भी कहते हैं, ऐसा कुछ भी पारगू में नहीं था। पारगू में ओवरऑल बहुत ही कॉमेडी सीन्स हैं जिनकी कमी हीरोपंती में दिखाई देती है। हीरोपंती जरूरत से ज्यादा एक सीरियस फिल्म थी। वही फिल्म के अंत की बात करें तो उसमें भी बदलाव किए गए थे। पारगू में अल्लू का किरदार शादी में पहुंचकर लड़की के पिता से कहता है कि वो किसी को भगाने नहीं आया है और वो लड़की को रिजेक्ट करता है, जबकि हीरोपंती में टाइगर साफ साफ कहते हैं कि वो लड़की को भगाने के लिए आए हैं। यही नहीं, इस फिल्म में कृति थी जो टाइगर को रिजेक्ट करती है। बहरहाल हम यही कहेंगे, अगर आपने पारगू नहीं देखी है तो आप इसे अलू अर्जुन के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। वहीं दोनों ही फिल्में देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से दोनों के बीच के अंतर को पहचान पाएंगे। और अगर हमारी इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात हीरोपंती 2 की करते हैं। जी हाँ, हीरोपंती 2 बन रही है जिसके निर्देशक इस बार अहमद खान होंगे। फिल्म से जुड़ी कई बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां हमने आपको ये भी बताया था कि कृति सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। हालांकि आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप कृति के फैन हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि कृति भी फिल्म से जुड़ने वाली है। जी हाँ, हालांकि वो किसी किरदार में नहीं होंगी बल्कि उनके लिए फिल्म में एक स्पेशल परफॉर्मेंस रखी गई है जहाँ कृति हमें डांस करती दिखेंगी। अब बेशक ये सुनकर थोड़ा मायूस हुए होंगे, पर हमें यकीन है कि कृति के फैंस उनके एक जगह टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी और इसीलिए ही हीरोपंती 2 उनके फैंस के लिए एक बेहद खास फिल्म होने वाली है। और कब से इस फिल्म का इंतजार है, टाइगर की डेब्यू फिल्म थी और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। कृति सेनन उनके साथ नजर आई थी लेकिन इस बार कृति को रिप्लेस कर दिया है तारा सुतारिया ने। जी हाँ, तारा और टाइगर इसमें नजर आएंगे। इससे पहले ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है जिसमें भरपूर एक्शन हो, और जहां टाइगर होते हैं वहां एक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में मज़ेदार डायलॉग्स, कुछ गाने और कई हीरोइक एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। फिल्म की खास बात होगी इसकी कॉमिक सीन्स, और कॉमिक सीन्स बहुत ही और कॉमिक सीन्स इस फिल्म में ह्यूमर पैदा करेंगे, यानी कि एक्शन कॉमेडी का ज़बरदस्त तड़का आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वही आपको बता दें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी एंट्री हो चुकी है इस फिल्म में। इनका नाम है वैभव चौधरी, और वैभव सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, दर्शकों का खूब प्यार मिला है उनके फिल्म में होने से। नेपोटिज्म विवाद के बीच चल रहे नफरत से फिल्म को छुटकारा भी मिल सकता है, क्योंकि वैभव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंडस्ट्री में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो एकदम कॉमन मैन जैसे हैं। और उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, ना कि किसी के बलबूते। ऐसे में लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी और लोग अब ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिनको अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में लिया जाता है। तो वैभव के एंट्री से भी हीरोपंती 2 को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों, हीरोपंती 2 का ऑलरेडी एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ज़्यादा स्टनिंग नज़र आए थे, लेकिन इसे एक हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर जो था वो कॉपी पोस्टर बताया गया। कहा गया कि यह हिटमैन का पोस्टर है जो कि वाकई कॉपी पोस्टर था, लेकिन हो सकता है कि ये भी मेकर्स की स्ट्रेटेजी रही हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी जहां होती है वहां फिल्म का नाम उछली जाता है और फिल्म आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेकर्स की कोशिश भी रही होगी। तो आपको क्या लगता है, वह एंट्री से कितना फर्क पड़ेगा? क्या है टाइगर की फिल्मों का एक्स फैक्टर, गणपत या हीरोपंती 2 कौन मारेगी बाजी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं हीरोपंती के लीड एक्टर टाइगर की उन फिल्मों के बारे में जिसमें टाइगर ने हरी झंडी दी है। जिन फिल्मों में टाइगर की गणपत, हीरोपंती 2, रैम्बो शामिल हैं। बता दें, एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म को जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक
विकास बहल बना रहे हैं और इसमें टाइगर मुंबई के एक बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए अपनी तारीखों पर काम किया है और भविष्य में होने वाली सभी फिल्मों के लिए एक शेड्यूल तैयार कर लिया है। इन फिल्मों में सबसे पहले टाइगर विकास की इस फिल्म के साथ ही शुरुआत करेंगे। बता दें कि वो फिल्म गणपत की शूटिंग की शुरुआत दिसंबर में करेंगे। एक बार शूटिंग शुरू हुई तो खत्म होके ही दम लेगी, बीच में वो कोई आराम नहीं करेंगे। फिल्म में टाइगर एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेना पहले से ही शुरू कर दिया है। वैसे तो पहले से ही एक अच्छे स्टंटमैन और एक्शन हीरो हैं टाइगर, इसीलिए उन्हें बॉक्सर जैसी कलाएं सीखने में ज्यादा वक्त तो नहीं ही लगेगा। नवंबर के महीने में हो सकता है कि फिल्म के निर्माता इसका पहला पोस्टर भी रिलीज कर दें। फिल्म गणपत में विकास टाइगर को कुछ इस तरीके से पेश करेंगे जैसा उन्हें पहले पर्दे पर कभी नहीं दिखाया गया। बॉक्सिंग के साथ टाइगर मुंबई की बोली पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि बोले तो एकदम रैप चिक और टपोरी टाइप की। साथ ही इस फिल्म के पहले टाइगर अपनी दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और साजिद नडियाडवाला इसके निर्माता हैं। टाइगर की दोनों ही फिल्में एक्शन हैं, लेकिन उनका रूप दोनों में ही अलग होगा, क्योंकि टाइगर की फिल्मों में एक्शन ना होना मतलब गाजर के हलवे में गाजर ना होना। आप खुद समझ जाइए कितना अजीब लगेगा बिना एक्शन की फिल्मों में टाइगर का होना। गणपत में टाइगर काफी हद तक वास्तविक नजर आएंगे, लेकिन शीर्षक के हिसाब से हीरोपंती 2 में टाइगर की हीरोपंती ही दिखाई देगी। इन दो फिल्मों के अलावा टाइगर के पास रैम्बो की हिंदी रीमेक भी है। इस फिल्म को रोहित धवन निर्देशित करेंगे। एक बार हीरोपंती 2 की शूटिंग खत्म होगी, इसके बाद टाइगर अपनी फिल्म रैम्बो की भी शुरुआत कर देंगे। क्या बागी फिल्म के बाद हीरोपंती 2 का भी डायरेक्शन करेंगे अहमद खान? अहमद खान ने अपने करियर की पहली फिल्म कौन सी डायरेक्ट की थी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस के लिए हीरोपंती 2 एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है। वह दर्शक इस फिल्म का इंतजार हीरोपंती पार्ट 1 के रिलीज के बाद से ही करने लगे थे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी हीरोपंती और इस फिल्म में उनके एक्शन सीक्वेंस को लोगों ने काफी पसंद किया। खास तौर पर कीर्ति सेनन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को भी लोगों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से लोग अब हीरोपंती 2 की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पार्ट 1 को डायरेक्ट किया था शबीर खान ने। अब ऐसी खबरें आ रही है कि हीरोपंती 2 को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान। अहमद खान ने इससे पहले भी बॉलीवुड की कई नामी गिरामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है और वो बॉलीवुड के A1 डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल है, तो इसी वजह से हम ये बिल्कुल कहेंगे कि प्रोड्यूसर ने अहमद खान को ये ड्रीम प्रोजेक्ट देकर कोई गलती नहीं की। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अहमद खान कैसे बने बॉलीवुड के A1 एक्शन थ्रिलर डायरेक्टर। उनका जन्म बेसिकली 3rd of June 1974 को हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए चाइल्ड एक्टर की थी अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया के थ्रू। इसके बाद अहमद खान ने एज ए सिनेमाटोग्राफर अपने करियर को स्टैब्लिश करना चाहा और उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी भी की, जैसे कि किस गजनी जैसी फिल्म। ये तमाम फिल्म सक्सेसफुल भी साबित हुई और इससे अहमद खान के करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट अप भी मिला। पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके करियर में तब आया जब उन्होंने बागी 2 को डायरेक्ट किया। बागी 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और इसके बाद लोगों को उनका डायरेक्शन काफी पसंद आने लगा। इसी वजह से एक बार फिर अहमद खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने कमबैक किया बागी 3 के साथ। बागी 3 भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों, इसी वजह से एक बार फिर से आपको टाइगर श्रॉफ और अहमद खान की जोड़ी हीरोपंती 2 के जरिए देखने को मिल सकती है, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं अहमद खान और जिसमें मेन लीड के तौर पर नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में जी भर के स्टंट सीक्वेंस करने वाले हैं, जो लोगों को काफी पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप हीरोपंती 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 के बारे में, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ,
और ऐसे सूत्र दावा कर रहे हैं कि हीरोपंती 2 की कहानी भी टॉलीवुड की किसी फिल्म का रीमेक होने वाली है। हालांकि इस बार हीरोपंती 2 की कहानी थोड़े हाई लेवल पर दिखाई जाएगी ऑडियंस को, साथ ही फिल्म का जो भी कंटेंट होने वाला है वो इम्प्रोवाइज तरीके से दर्शाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हीरोपंती 2 के लिए टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस तो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार हीरोपंती 2 में उनका किरदार कुछ हटकर होने वाला है, जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे वो रात को निकलते हैं और अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करते हैं, खास तौर पर उन लोगों का जो आम लोगों को सताया करते हैं। इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में एक सीक्रेट मिशन पर भी भेजे जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही वो एक रॉ एजेंट का किरदार निभाने वाले हैं। हीरोपंती 2 में जो फीमेल लीड के तौर पर नजर आने वाली है तारा सुटारिया, उनका किरदार भी बेहद दिलचस्प होने वाला है फिल्म में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, तारा सुटारिया हालांकि इस पिक्चर में टाइगर श्रॉफ के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखेंगी, लेकिन वो भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन जाती है ना चाहते हुए भी। फिल्म की कहानी में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह टाइगर श्रॉफ को जिस सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है, वहाँ का गैंगस्टर अपने ताकत के बदौलत टाइगर की गर्लफ्रेंड यानी तारा सुटारिया के हाथों ही इंडियन गवर्नमेंट के एक हेड को मरवा देता है। बाद में टाइगर श्रॉफ बुरी तरीके से फंस जाते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी कश्मकश में तारा सुटारिया की भी मौत हो जाती है। जब टाइगर पर हमला होता है तो तारा सुटारिया उसके बीच आ जाती है। तारा के मौत के बाद टाइगर श्रॉफ बेहद गुस्से में आ जाते हैं और अपने अकेले के दम पर इन इंटरनेशनल गैंगस्टर्स को खत्म करना चाहते हैं, और इस मिशन में उनका साथ देती है इंडियन गवर्नमेंट। हमें देखने को मिलेगा टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन और स्टंट्स। जी हाँ, इस पिक्चर में वो जबरदस्त स्टंट्स परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं। वेल, क्या लगता है आपको, हीरोपंती 2 एक मैसिव हिट साबित होगी या फिर एक फ्लॉप? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मोटी कमाई वाली नौकरी छोड़ कैमरे को क्यों चुना कृति सैनन ने? विलन बनने से पहले क्या करता था, आज मसीहा बन चुका ये सितारा। मशीन ने छोड़ सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों चुना विकी ने? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जो अगर आज फिल्मी पर्दे पर दिखाई नहीं देते तो शायद बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए 9-5 का जॉब कर रहे होते, अपना समय भी बिता रहे होते। लेकिन इन लोगों के लिए डेस्टिनी ने शायद कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए तो इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की और उनका नाम सुपरस्टार्स की लिस्ट में आता गया। आइए हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताते हैं। पहला नाम आता है सोनू सूद का। आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते प्रवासी लोगों को घर पहुंचने का काम करके मसीहा बने सोनू सूद साउथ फिल्मों के सुपरहिट हीरो हैं। सोनू नागपुर में यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। सोनू फिटनेस फ्रीक भी है। एक्टर बनने से पहले वो मॉडलिंग में भी अपना हाथ अजमा चुके हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म अरुंधति के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। दूसरा नाम आता है विक्की कौशल का। रमन राघव और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक्टर विक्की कौशल को उनकी अवार्ड विनिंग फिल्म मसान में अपने शानदार एक्टिंग के लिए बहुत तारीफें मिली। पर क्या आप जानते हैं कि विक्की बॉलीवुड के मशहूर स्टंट डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं? विक्की ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बजाय वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने। तापसी पन्नू। महिला प्रधान फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाली तापसी पन्नू दिल्ली के गुरु टेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। फिल्मों से पहले उन्होंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की थी। फिल्म चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिर आते हैं कार्तिक आर्यन। फिल्म प्यार का पंचनामा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कार्तिक आर्यन के पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों है। ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक ने मुंबई से बायोटेक्नोलॉजी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया।
लेकिन इस एक्टिंग कोर्स के बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा ब्लॉकबस्टर हिट रही। इस फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा सा था, लेकिन दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब बखूबी सहारा। फिर आती है कृति सैनन। साल 2014 में टाइगर के अपोजिट फिल्म हीरोपंती से अपना बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कृति सैनन पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने नोएडा के जीपी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसके बाद अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। फिर आते हैं आर माधवन। स्टूडेंट लाइफ के दौरान आर माधवन का एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा। कोहलपुर से माधवन ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। माधवन 2 साल के लिए एक प्रोग्राम का कल्चरल एम्बेसडर बनकर कनाडा गए। इसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप भी ली थी। फिर आती है अमीषा पटेल। ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार से रातों रात स्टार बनने वाली अमीषा पटेल भी पेशे से इंजीनियर है और वे बायोपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिग्री रखती है। अब इसी लिस्ट में शामिल है खूबसूरत एक्ट्रेस कृति की बात करें। कृति आजकल कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं। इसके अलावा हाल ही में उनकी पहली फिल्म के साथ साथ उन्होंने भी बॉलीवुड में अपने 7 साल पूरे किए हैं। 7 सालों बाद मेकर्स ने फिल्म का एक सीक्वल बनाने का फैसला भी लिया है। वही सीक्वल का पिछली फिल्म से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं होगा, परंतु फिर भी खास खबर ये है कि कृति फिल्म का हीरोपंती का कौन सा सॉन्ग हुआ था कश्मीर में शूट? बर्फ में शूट करने में टाइगर और कृति को किन किन परेशानियों का करना पड़ा सामना और कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो।